तो हमारा पहला क्वेश्चन था 2020 का, जिसमें कि पूछा गया था कि क्रिटिनिज्म इज रिजेक्टेड बाय इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिकॉज, क्रिटिनिज्म को क्यों रिजेक्ट किया गया, किस वजह से इसको मेनली रिजेक्ट किया गया, क्या चीज ये नहीं बता पाए, राइट। तो अगर देखा जाए तो पहला बोला इट ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ एडेप्टेशन, यस। उस लाइक वो जो थ्योरी थी हमारे पास क्रिटिनिज्म, जिसमें कि ये बोला गया कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई थी वो भी सिर्फ कुछ दिनों में, तो वो जो थ्योरी थी वो एडेप्टेशन या उसकी ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बता पाई। तो ये पहला ही रीजन ऐसा हो गया जिसके लिए हम कह सकते हैं कि यस, इस वजह से जो है ये इवोल्यूशनरी थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। डिसेंडेंट्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर के बारे में कोई बात नहीं हुआ था, इसके अलावा डेट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भी कुछ बात नहीं थी, सुपरनेचुरल इवेंट के बारे में भी कुछ बात नहीं की गई थी। तो दैट इज वाई वी कैन गो विद फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है कि किसने कौन सी थ्योरी दी, तो मैं इसको डील नहीं करवा रही हूँ। आप एक बार आंसर देख लीजिएगा, आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही मैं डील करवा रही हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल मे हैव इवॉल्व फ्रॉम द सिंपलर प्रोकैरियोटिक सेल बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस दी। बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो शायद सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंक्रीज होता है विथ व्हाट, आपको बताना है। तो ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज होता है, नहीं। एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन के साथ इंक्रीज होता है, नहीं। टॉलरेंस ऑफ स्टारवेशन के साथ भी हम नहीं जा सकते हैं। एबिलिटी टू अटेन द लार्जर साइज, एक्जैक्टली। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी गेन करता है, देखा जाता है कि उसके साइज भी लार्ज होते जाते हैं और हेंस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है एक तरीके से इंक्रीज होती जाती है। तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल था 2020 का, दैट यू वांटेड टू कंडक्ट द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट एंड यूज अ सिंप्लीफाइड एपरेटस विद अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यू हीटेड द ग्लास वायर एट 500 डिग्री सेल्सियस फॉर द 3 आवर्स टू रिमूव एनी ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, द गैसेस लाइक NH3CH4COH2 वर इंट्रोड्यूस फॉलोड बाय जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिक स्पार्क। विच ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट डिड यू फॉरगेट टू ऐड, यानी आपने ये सब कुछ ऐड कर दिया लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भूल गए। कौन सा इंग्रेडिएंट भूल गया, दैट इज वाटर भूल गए। ये नहीं भूलना है कि जिंदगी की शुरुआत वाटर में हुई थी, तो आप चाहे लैब में कैसे भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, यू कांट फॉरगेट वाटर, क्योंकि वाटर इज रिजेंबलिंग विद व्हाट, वाटर इज रिजेंबलिंग विद ओशन, राइट। तो पानी की भूल जाओगे तो फिर जनरेट क्या करोगे और किसमें जनरेट करोगे, ठीक है। सॉरी, तो वी कैन से कि सेकंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, इन सारे एक्सपेरिमेंट में वाटर जो है डालना भूल गए थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट लिविंग बींग ऑन अर्थ वॉज एन एरोबिक, बिकॉज पहला जो लिविंग बींग आया था, हमने कल पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ी कि कैसे पहली लाइफ आई, तो हमें ये जानने को मिला कि जो पहली लाइफ आई थी वो एनएरोबिक थी एंड केमो हेटरोट्रॉफ्स थी, राइट। तो बोला गया कि पहला लाइफ एनएरोबिक क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए। सो देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द एयर, एक्जैक्टली, इसीलिए पहला ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक आया, क्योंकि जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही तो पहली लाइफ आएगी ना। अगला था, अमंग द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। जो स्टार्टिंग में बने थे, उसके बाद आएगा सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बने, उसमें से म्यूटेशन हुआ काफियों में और जो वेल एडेप्टेड थे उनका सिलेक्शन हुआ, तो नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आए एंड देन प्रोकैरियोटिक सेल आए, राइट। तो वी कैन गो विद डीई, दो में है डीई सी पहले वाले में, तो पहला वाला हो जाएगा, फिर हमारे पास आया है ए, देन आया है बी, वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। चलो ओके, साथ साथ में आप भी जो है आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जिन बच्चों ने सॉल्व किया है उनको उनके आंसर तो ऑब्वियसली निकले होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, दैट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, अच्छा आपको पिक क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। बोला है एडेप्टिव रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ड्राइवन बाय द इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही बोला है। डाइवर्जेंट मतलब कि एक पॉइंट से डेविएट हो जाना, यानी एक एक्सिस से डेविएट हो जाना, बिल्कुल। और ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन का कारण हुआ, इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि इकोलॉजिकली जो प्लेसेस थे वो बट गए थे, राइट। तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, एडेप्टिव रेडिएशन इज द डाइवर्जेंस ऑफ अनरिलेटेड टैक्सा, नहीं भाई, उनके बीच में कॉमन सिस्टर थे। नेक्स्ट, एडेप्टिव रेडिएशन इज रेयर इन आरपीएस रिमूव फ्रॉम द मेनलैंड, नो। प्रोसेस अनरिलेटेड टू द नीच एक्सप्लॉयटेशन कैन बी मेजर ड्राइवर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस था ये अनरिलेटेड था टू द नीच एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जहां पे नीच का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ था, सिर्फ स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन हुआ था डिपेंडिंग अपॉन कि किस आइलैंड पे जो है वो सारी फिंचेस लैंड की थी। तो ये भी ट्रू हो गया। तो इस बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है हमको सही लग रहा है, बाकी दो ऑप्शन एकदम ही ऑड थे, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है डिसेंबर 2023 का, जिसमें बोला है गिवन बिलो ट्रेड को रिड्यूस कर देता है। तो हमने देखा था कि सिर्फ एक ही रिड्यूस हो रहा था, बाकी दो मेंटेन थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा पूरा रिड्यूस कर रहा है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस। नेक्स्ट, बैलेंसिंग सिलेक्शन मेंटेन द वेरिएशन इन द ट्रेड, एक्जैक्टली। तो देखिए, समहाउ ए एंड डी स्टेटमेंट हर हाल में सही देख रखा है और हम उसके लिए 100% श्योर हैं। दो दो का कॉम्बिनेशन है, यानी कोई दो गलत है दो सही है, तो ऑब्वियसली बी और सी गलत हो गए, दैट इज वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, उनके काम के बारे में यहाँ पे बोला गया है, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा।
तो हमें सबसे पहले, अगर आपको सारे साइंटिस्ट के नाम याद रहे हैं तो आप सबसे जो मतलब पहचान, मतलब कि जाने माने जो साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में हम बहुत लंबे टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, ऐसा ऑप्शन पहले पिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे वैलेस एंड लैमार्क, ये दो ऐसे हैं जो कि नोन है हमारे लिए। तो वैलेस ने क्या किया था, वैलेस ने नेचुरल सिलेक्शन का कांसेप्ट दिया था जस्ट लाइक डार्विन। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो लैमार्क ने कहा था, तो यानी यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा ए, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन में कही गई थी बाय डार्विन एंड बाय वैलेस। तो हम बी का जो है वन ले सकते हैं। अब जरा ऑप्शन मैच कीजिए, बी का वन, बी का सॉरी नॉट बी का वन, वन का बी हो, ठीक है, वन का बी लिखिए क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया है। तो वन का बी देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वन का बी, और हमको मिला है थ्री का ए, और थ्री का ए भी मैच हो गया, यानी संभव हम सही जा रहे हैं, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो अगर मैं सेकंड का लूं लेल के द्वारा, जो कि हमें इनका नाम कहां देखने को मिला था, जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज पढ़ रहे थे, राइट। तो इस बेसिस पे चलते हैं, तो इन्होंने अर्थ जियोलॉजी के बारे में कहा था एंड नेचुरल हिस्ट्री के बारे में कहा था, दैट हैज बीन शेप्ड बाय द पीरियडिक ऑफ कैटास्ट्रोफिक एक्सटिंक्शन एंड न्यू क्रिएशन। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यूनिफॉर्मिज्म के बारे में कहा था। ओके, तो लेल के द्वारा क्या कहा गया था, दैट इज प्रोसेस दैट एंटर द अर्थ हैज यूनिफॉर्म थ्रू द टाइम। तो हम यूनिफॉर्मिज्म के बारे में ले सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड का हमारा सी हो गया, राइट। और बच गया सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन कुवियर के द्वारा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ वाला, जिसमें कि कैटास्ट्रोफिक एक्सटिंक्शन एंड न्यू क्रिएशन के बारे में बात किया गया था। ऑब्वियसली इन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन एक बेनिफिट होता है कि अगर कुछ नोन ऑप्शन हमको मिल जाते हैं तो हम इसलिए सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवोल्यूशन इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इवोल्यूशन से रिलेटेड ट्रू नहीं है। पहला, इवोल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जी हाँ, इवोल्यूशन इज गोल ओरिएंटेड नहीं। आपको याद हुआ कि हमें जो लास्ट थ्योरी मिली थी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि इवोल्यूशन इज नॉट गोल ओरिएंटेड, इवोल्यूशन को गोल ओरिएंटेड लैमार्क ने कहा था, लेकिन जो फाइनल थ्योरी हमारे सामने आई उसमें इस चीज को पलट दिया गया। प्रोकैरियोट इवॉल्व फास्टर देन यूकैरियोट, बिल्कुल हमने ये देखा था। इवोल्यूशन नीड नॉट ऑलवेज लीड टू द बेटर फिनोटाइप, एक्जैक्टली, हमेशा इवोल्यूशन से बेटर फिनोटाइप आए ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड, यहाँ पे जो है ड्रोसोफिला का मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है ड्रोसोफिला को, जिसके बेसिस पे जो है हमको बॉडी वेट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा मिला है। तो अगर मैं ग्रुप ए को देखूं तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल मीन वैल्यू था वो था 1.8, यहाँ भी 1.8 ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है, लेकिन मीन वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो ए किसको दिखा रहा है, ए दिखा रहा है स्टेबलाइजिंग को, नो डाउट, राइट। नेक्स्ट देखिए बी में, देखिए बी में हमको मिला है बाइमोडल, ठीक है, बाइमोडल मिला है यहाँ पे। तो बाइमोडल किसमें मिलता है हमको, डिसरप्टिव में मिलता है। और सी में देखिए मीन वैल्यू जो है 1.8 से बढ़कर 2.2 हो गई है, यानी क्या एक डायरेक्शन में मूव कर गई है, तो ये डायरेक्शनल। ऑप्शन पिक कर लीजिए, ए का स्टेबलाइजिंग, ग्रुप ए स्टेबलाइजिंग से थर्ड ऑप्शन में है, ग्रुप बी डिसरप्टिव एंड ग्रुप सी डायरेक्शनल, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है, यहाँ पे आपको ए और बी को पहचानना है कि पहले ग्राफ ऐसा था अब ऐसा हो गया है, नहीं आफ्टर सिलेक्शन ऐसा हो गया है जिसमें कि मीन वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो ए किसको बता रहा है, ए बता रहा है स्टेबलाइजिंग, राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में आपको ग्राफ ऐसा था, बाद में जो है ये ग्राफ ऐसा मिल गया, मतलब कि बाई मॉडल एक तरीके से मिल गया। तो बाई मॉडल किसमें मिलता है, दैट इज डिसरप्टिव में। अब अगर ऐसा होता है तो ए हो गया स्टेबलाइजिंग, बी हो गया डिसरप्टिव, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, मीन एंड स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ड्रोसोफिला के पॉपुलेशन में वो है 8.5 एंड 2 mm रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद बॉडी साइज चेंज हो रहा है 8.5 एंड 0.8 mm में चेंज हो गया रेस्पेक्टिवली, आपको बताना कौन सा सिलेक्शन है। तो देखिए मीन वैल्यू चेंज नहीं हुई, पहले भी 8.5 थी अभी भी 8.5 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबलाइज्ड, राइट। ट्रू फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन के लिए कौन सा यहाँ पे सही है। पहला है फिटनेस ऑफ जीनोटाइप इंक्रीज एज इट्स बिकम लेस कॉमन, नो, फिटनेस ऑफ जीनोटाइप इंक्रीज एज इट्स बिकम मोर कॉमन, यस, फिटनेस ऑफ जीनोटाइप डिक्रीज एज इट बिकम लेस कॉमन, नहीं, फिटनेस ऑफ जीनोटाइप डिक्रीज एज इट्स बिकम कॉमन एंड गेट फिक्स, नहीं, तो वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन। ओके, अगला सवाल है सेलेक्ट द पेयर ऑप्शन रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ बर्ड्स बिल, अब आपको बताना इसमें सिलेक्शन कौन सा काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये सिलेक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब कि ये ऐसे जा रहा है, राइट, यानी पहले कोई ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे होगा, बाद में ये सिलेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जिस तरीके से ये जा रहा है तो हमें बस यही चीज समझ में आ रही है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड दैट इज वाई हमारे पास डायरेक्शन सिलेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे काम ही नहीं कर सकता। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन, दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन, जो मोस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे हो सकता है। ओके, अगला सवाल है डायरेक्शनल सिलेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट विल लीड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेट। ओके, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड के फॉर्म में बोला है। मैं आपको पहले बता दूं ये जो स्क्यूनेस है, ठीक है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने को मिलेगी, ये आपको पढ़ाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली या तो यूनिट 12 या 13 का पार्ट है ये, ठीक है, बायोस्टैट या स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है जिसमें आपको स्क्यूनेस पढ़ने को मिलेगा, नेगेटिव स्क्यू पॉजिटिव स्क्यू। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्क्यू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो राइट फॉर्म में शिफ्ट हो सकती है या वो लेफ्ट फॉर्म में शिफ्ट हो सकती है, तो इसको हम राइट या लेफ्ट स्क्यू ग्राफ कहते हैं। तो बोला है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में फ्रीक्वेंसी किस टाइप की देखी जा सकती है, तो क्या बताया गया था कि मान लीजिए अगर ये एक ग्राफ है पहले का बिफोर सिलेक्शन का, तो अगर इसे एक डायरेक्शन में मूव करना है तो ये डायरेक्शन ये भी हो सकता है यानी इस तरफ, या फिर ये डायरेक्शन ये भी हो सकता है यानी इस तरफ, इधर और अदर साइड हमने पढ़ा था, यानी दोनों साइड में दोनों डायरेक्शन में से किसी भी एक डायरेक्शन में एट अ टाइम सिलेक्शन का मूव करना पॉसिबल है। तो यानी खाली लेफ्ट स्क्यूनेस भी नहीं होगी, खाली राइट स्क्यूनेस भी नहीं होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होगी, हम कह सकते हैं इधर राइट या फिर लेफ्ट स्क्यूनेस दिखाई जा सकती है। जैसे कि हमने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा था कि इट कैन मूव इन वन डायरेक्शन और दी अदर, ठीक है, और दी अदर कहा था, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो वहां पे आइदर और का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट स्क्यूनेस की बात की गई है, तो वी कैन गो विद फोर्थ, राइट, दोनों ही पॉसिबल हो जाएगा।
यस, कल ग्राफ भी बना के बताया था, और साथ ही साथ ये जो टर्म है ये टर्म स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो हो सकता है काफी बच्चों को नहीं समझ में आया, तो मैं उम्मीद करती हूं अभी समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रहा एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है आप देख सकते हो कि अगर इस मतलब कि जब पहले के डिस्ट्रीब्यूशन से शिफ्टिंग राइट में हो सकती है या फिर लेफ्ट में हो सकती है, उसी के बेसिस पे लेफ्ट या राइट यूज किया जाता है या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव यूज किया जा सकता है। लेकिन आई होप इसका डिटेल जो है आपको यूनिट 12 या यूनिट 13 में से पढ़ने को मिल जाएगा, जो भी एजुकेटर आपको पढ़ेंगे। ओके, अगला सवाल है, रिसेसिव लेथल एलील आर नेवर कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, बिकॉज जो रिसेसिव लेथल एलील है वो कभी भी पॉपुलेशन से पूरे एलिमिनेट नहीं होते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज लेथल एलील आर ऑलवेज कंडीशनल इन नेचर, बिल्कुल नहीं। लेथल एलील हैव सिलेक्टिव एडवांटेज, नो। लेथल एलील प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अदर डिलीटेरियस म्यूटेशन, बिल्कुल नहीं। दे आर मेंटेनिंग पॉपुलेशन एज अ हेटेरोजाइगोट, एक्जेक्टली। लेथल रिसेसिव लेथल एलील की मतलब किसकी बात की जा रही है? इसकी बात की जा रही है कि ये किस फॉर्म में मेंटेन रहता है? हेटेरोजाइगस के फॉर्म में मेंटेन रहता है। जब तक ये इस फॉर्म में रहता है लेथल इफेक्ट कॉज नहीं करता है, तो पॉपुलेशन में इसका ये फॉर्म क्या करता है, इसको यहाँ पे मेंटेन करवा के रख पाता है, तो हेंस हेटरोजाइगस फॉर्म में ये जो है मेंटेन रहता है पॉपुलेशन में। ओके, चलो, सो वी आर डन विद लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन के क्वेश्चंस, और फटाफट से हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, चलो, पहला क्वेश्चन है 2017 का, दैट इज फ्लफ टेल इन मेनलैंड एशिया शो हाई वेरिएशन इन द टेल कलर। ठीक है, फ्लफ टेल जो है उसके टेल के कलर में बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। हाउएवर इन द फार आउट पैसिफिक आइलैंड द फ्लफ टेल शो लिटिल वेरिएशन, ऐसा हमको देखने को मिलता है मेनलैंड एशिया में, लेकिन पैसिफिक ओशन में यही फ्लफ टेल जब पाई जाती है तो उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला, या बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिल रहा है उसकी टेल में। आपको बताना है कि ये जो वेरिएशन है टेल कलर में, इसको हम किसके थ्रू, यानी कैन बी एक्सप्लेन बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी ये जो वेरिएशन हो रहा है कि भाई एक लैंड में हमको उसकी टेल में बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और दूसरा एक और आइलैंड है पैसिफिक आइलैंड, वहां पे उसका वेरिएशन कम हो गया है, इस वेरिएशन को हम इन चार ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सेप्ट वन, यानी कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसके थ्रू ये वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो देखिए सिंपल सी बात कहें तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है, यहाँ पे वेरिएशन कम है। ठीक है, अभी कितनी वजह से हो सकता है? एक तो वजह हो सकती है कि भाई हो सकता है यहाँ से कुछ इंडिविजुअल यहाँ माइग्रेट कर गए हो, आपस में ब्रीड इनब्रीड किया हो और वेरिएशन कम हो गया हो, यानी क्या हम इसे फाउंडर्स इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, क्या हम इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही टाइप है फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, क्या हम इसे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन के बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ भाई एक ही कैरेक्टर का सिलेक्शन जो है बार बार हो गया, और वो कैरेक्टर शायद कॉमन भी हो सकता है या फिर वो रेयर भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये होमोलोगस इवोल्यूशन के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान दीजिएगा होमोलोगस इवोल्यूशन वैरायटी लेके आता है, यहां तो वैरायटी कम हो रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम सेकंड ऑप्शन के थ्रू ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेकंड, कि हम तीनों ऑप्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वेरिएशन के ड्रास्टिक चेंजेस को, लेकिन हम होमोलोगस इवोल्यूशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। और तो अभी हमने होमोलोगस इवोल्यूशन पढ़ा नहीं है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही हम होमोलोगस इवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम टाइप ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। अगला है, व्हाट विल बी अप्रॉक्सिमेट इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज इन द पैनमिटिक पॉपुलेशन ऑफ 240 विथ 200 फीमेल एंड 40 पॉलीगैमस मेल। आपको इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज निकालना है, एनी निकालना है। फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला था 4 इंटू नंबर ऑफ ब्रीडिंग मेल्स, मेल्स कितने हैं 40, इंटू नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स दैट इज 200, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ब्रीडिंग मेल्स प्लस नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स। राइट, कितना आ रहा है आंसर इसका? यस, कितना निकल रहा है आंसर? सेकंड 133 निकल रहा है, सॉल्व करके देख लीजिए अगर 133 निकल रहा है तो। ये होगा इस फॉर्मूले से इस तरीके से सॉल्व करना, होपफुली 133 ही निकलेगा। चलो अगला सवाल है, नॉर्दर्न एलिफेंट सील हैड बीन रिड्यूस्ड टू अबाउट 20 इन 1800। 1800 में जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील थी उनका नंबर जो है 20 हो गया था। बायोलॉजिस्ट स्टडीड वेरिएशन इन द प्रोटीन इन द स्पीसीज, और उन स्पीसीज में प्रोटीन के वेरिएशन को स्टडी किया गया। दे फाउंड दैट नो जेनेटिक डिफरेंसेस इन द प्रोटीन अमंग द इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल में किसी भी तरीके से कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला इन द प्रोटीन सीक्वेंस। आपको बताना है ये वेरिएशन की कमी किस वजह से आई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लैक ऑफ वेरिएशन। पहला है द फैक्ट दैट एलिफेंट सील लिव इन द कांस्टेंट एनवायरनमेंट वेयर दे वर नो नीड ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन। ये जो एलिफेंट सील एक ऐसे कांस्टेंट एनवायरनमेंट पे रहती थी जहां पे वेरिएशन की जरूरत नहीं थी, ये एकदम मतलब कह सकते हो गलत एक्सप्लेनेशन है। पॉपुलेशन बॉटलनेक एंड द जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये वजह है, एक हमने पढ़ा भी था केस स्टडी में, बॉटलनेक इफेक्ट वहां पे देखने को मिला था। नेचुरल सिलेक्शन रिजल्टिंग इन द सिंगल बेस्ट जीनोटाइप, नो। अ वेरी लो रेट ऑफ द म्यूटेशन, बिल्कुल नहीं। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला है, 20 स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज इज पॉलीमॉर्फिक फॉर द गिवन लोकस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वेयर ब्रीड इन द कैपिटिविटी। ठीक है, अगर 20 स्मॉल पॉपुलेशन है स्पीसीज की जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आपको देखने को मिल रहा है, उनको कैपिटिविटी में रिप्रोडक्टिव एरिया में उनको ब्रीड करवाया गया। इन द 10 इन 10 ऑफ देम द पॉपुलेशन साइज वाज केप्ट कांस्टेंट बाय रैंडमली रिमूविंग द इंडिविजुअल व्हाइल अदर 10 वेर अलाउड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन साइज। तो क्या किया गया था, दो ग्रुप है। ठीक है, पहला ग्रुप जो है ग्रुप 1, जब भी उसके उसमें क्या होता था, उसमें 10 मेंबर जैसे ही होते थे एक मेंबर को रिमूव कर दिया जाता था, फिर से जब 10 हो जाएंगे फिर से एक मेंबर को रिमूव कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि इसके पॉपुलेशन को जो है 10 में ही मेंटेन रखा गया, यानी 10 से ज्यादा इसको कभी होने नहीं दिया गया। और एक और पॉपुलेशन है जिसमें कि 10 इंडिविजुअल को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि नॉर्मली इंक्रीज होने दिया जितना वो इंक्रीज होना चाहते थे। तो देखिए, ये बार बार एक को रिमूव कर देना मतलब कि आप जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसा कुछ इवेंट परफॉर्म कर रहे हो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ओके, सो आफ्टर सेवरल जनरेशन इट वॉज ऑब्जर्व दैट द 7 ऑफ द साइज रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन ओनली कैपिटल टी वॉज प्रेजेंट, इन द रिमेनिंग 3 ओनली स्मॉल टी वॉज ऑब्जर्व। यानी ये जो मेंटेन ये जो रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन थी इसमें से क्या देखने को मिला कि 7 में कैपिटल टी था और बाकी 3 में स्मॉल टी था। आपको बताना है इस ऑब्जर्वेशन के पीछे की वजह क्या थी।
जेनेटिक ड्रिफ्ट विच इज मोर लाइकली टू लाइकली इन द लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट ने अपना असर दिखाया नहीं क्योंकि ये 10 इंडिविजुअल थे इस पॉपुलेशन में, तो ये साइज रिस्ट्रिक्टेड थी। एक्चुअल में लार्ज पॉपुलेशन ये बनी थी, सेकंड वाली जो थी जिसमें कि किसी भी तरीके से पॉपुलेशन साइज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, ये लार्ज पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो गई थी। पहला वाला तो सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में ही रह गया, उसको बढ़ने ही नहीं दिया हमने, 10 से ज्यादा उसको कभी मेंबर को अपने बढ़ाने ही नहीं दिया। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट विच इज लाइक मोर लाइकली इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, एक्जैक्टली यही वजह बता रहा है क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट बार बार हुआ, जिसकी वजह से जो हमको वैल्यू मिली है वो कुछ इस तरीके से मिली है कि 7 लोगों में कैपिटल टी दिख रहा है तो 3 में स्मॉल टी दिख रहा है। डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन अगेंस्ट कैपिटल टी भी नहीं हुआ है ना ही स्मॉल टी में हुआ है, तो वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यानी गलत स्टेटमेंट आपको पिक करना है। पहला है, इट ऑल्टर द एलील फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सब्सटेंशियली ओनली इन द स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि ये एलील की फ्रीक्वेंसी को सिग्निफिकेंट तरीके से चेंज कर पाता है सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में। बिल्कुल सही, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में ये चेंज भी करे तो उसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा। सेकंड, इट कैन कॉज एलील फ्रीक्वेंसी टू चेंज एट रैंडम, बिल्कुल। इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, जी हाँ। इट कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बिकम एलिमिनेटेड, नहीं, हार्मफुल एलील को ये फिक्स करता है, एलिमिनेट नहीं करता है। ठीक है, तो वी कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला है, इन सेवरल पॉपुलेशन ईच ऑफ पॉपुलेशन साइज एन इज इक्वल टू 20, द जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द चेंज इन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। पहला देखिए, पहला क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज पर जनरेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन विच द एलील इज लॉस्ट और फिक्स्ड। लॉस्ट और फिक्स्ड पूछा था, इसका फॉर्मुला क्या था, दैट इज 1/4n, तो 1/4n, यहां पे n कितना है, n इज 20, राइट। इफ n इज 20 देन 4 × 20 जो कि होता है 1/80। फटाफट से सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, तब तक मैं b वाले को देखती हूं। बोला व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज पर जनरेशन इन एलील फ्रीक्वेंसी क्लासेस बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 में क्या होता है, 1/2n होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 20 जो कि हो जाएगा 1/40। कितना आ रहा है भाई, चलो मैं ही सॉल्व कर लेती हूँ, ये आ जाएगा आपका 0.0125 और ये इसका हाफ आ जाएगा, दैट इज 0.025। देख लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है, थर्ड वाला मैच होगा, सभी का यही निकला है, उम्मीद करती हूँ। चलो अगला सवाल है, फॉलोइंग आर द की पॉइंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है ट्रू कौन सा है। पहला, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, एकदम सही। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज एलील फ्रीक्वेंसी टू चेंज इन प्री डायरेक्टेड वे, भाई हमने कहा था रैंडम होता है, राइट, गलत हो गया ये। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, ट्रू। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बिकम फिक्स, ट्रू। यानी बी को छोड़ दिया जाए तो एसीडी सही हो जाता है, एसीडी यानी कि फोर्थ सही हो जाता है। अगला सवाल है, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। हर जगह तीन तीन का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि तीन स्टेटमेंट यहाँ सही है, एक स्टेटमेंट यहाँ गलत है, देखते हैं कौन सही है कौन सा गलत है। बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन एलिमिनेट एलील, बिल्कुल एलिमिनेट कर सकता है एलील को, इनफैक्ट जितना भी वेरिएशन लॉस हुआ उस लॉस को किस फॉर्म में किया गया, एलील को लॉस करके तो किया गया, यानी एलिमिनेशन करवा सकता है एलील का। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन बी एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन बॉटलनेक, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है पॉपुलेशन का बॉटलनेक के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि तो इसका टाइप ही है, राइट। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन दैट इंक्रीज इन साइज वंस दे ग्रो बैक टू द बॉटलनेक। याद होगा आपको, मैंने आपसे पूछा था कि क्या एक पॉपुलेशन रिकवर कर जाए तो दोबारा से उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है बॉटलनेक इफेक्ट यानी कि नेचुरल डिजास्टर के थ्रू वापस से हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ये गलत देख रखा है। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन बी एसोसिएटेड विद फाउंडर्स इफेक्ट, बिल्कुल सही। तो सी को छोड़ दिया जाए तो ए बी डी सही हो जाता है, ए बी डी यानी थर्ड ऑप्शन। अगला है, अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन जेनेटिक वेरिएशन इज ऑफन लॉस्ट थ्रू जेनेटिक ड्रिफ्ट इफ द पॉपुलेशन साइज ऑफ मैमल ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड इज 50, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स जेनेटिक वेरिएशन इज लॉस्ट एवरी जनरेशन। ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, एवरी जनरेशन में कितना लॉस होगा, तो 1/2n होता है, तो 1/2n, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, n कितना है, n इज 50, तो ये हो जाएगा 1/2 × 50, दैट इज 1/100 जो कि हो जाएगा 0.01, दैट इज लॉस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, इसका ईयर मेंशन है, आई थिंक 2014 या 2015 का क्वेश्चन है। 100 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, ओके, 100 यानी पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन होगी आपका 100, ठीक है, ऑफ ड्रोसोफिला आर एस्टैब्लिश्ड विद 10 इंडिविजुअल इन ईच पॉपुलेशन, ओके, यहाँ पे n हो गया, दैट इज 10, ऑफ विच वन इंडिविजुअल इज कैपिटल A, स्मॉल a जीनोटाइप एंड द अदर 9 इज कैपिटल A कैपिटल A, जिसमें से कि इसमें जो है एक इंडिविजुअल कैपिटल A स्मॉल a का है और बाकी 9 जो है वो कैपिटल A के, ठीक है। इफ द रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द ओनली मैकेनिज्म एक्टिंग ऑन दिस पॉपुलेशन, देन आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन फिक्स्ड फॉर स्मॉल a एलील इज, वेरी इजी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2n, राइट, फॉर्मूला आपको बताया था। यहाँ पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन है 100 2 × 10, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2/5, राइट, तो वी कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला था ये वाला हमने यूज किया। चलो, ओके, चलो पहला क्वेश्चन है जून 2023 का, बोले बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ किन सिलेक्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, किन सिलेक्शन के बेसिस पे यहां कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट कीजिए। पहला है,
The gene for altruism will spread in population if the act of altruism increase the actor's gene in the next gene pool only through direct fitness, only through. यानी कि altruism में एक organism सिर्फ अपने direct fitness को देखता है. नहीं भाई, ये तो गलत है. सिर्फ डायरेक्ट फिटनेस को तो नहीं देखता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को देखता है, राइट? अगर ये ओनली हटा देते तब की बात अलग, लेकिन उन्होंने ओनली डाल के एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट कर दिया इसको. नेक्स्ट है, जीन फॉर द ऑल्ट्रिज्म विल स्प्रेड इन द पॉपुलेशन इफ द एक्ट ऑफ ऑल्ट्रिज्म इंक्रीज द एक्टर्स जीन इन द नेक्स्ट जीन पूल ओनली थ्रू इनडायरेक्ट. सिर्फ इनडायरेक्ट के थ्रू भी नहीं होता है, दोनों के थ्रू होता है. अ जीन फॉर ऑल्ट्रिज्म विल स्प्रेड इन द पॉपुलेशन इफ द एक्ट ऑफ ऑल्ट्रिज्म इंक्रीज द एक्टर्स जीन इन द नेक्स्ट जीन पूल थ्रू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिटनेस. एक्जैक्टली, ये एकदम सही बात बोली. ये कहीं ना मुद्दे की बात है ना. Again, altruism behavior reduces the fitness of the trait bearer, so a gene responsible for altruism cannot spread in the population and will maintain at a low frequency. G, नहीं. So we can say कि हमारा third option सही हो जाता है. अगला है, youth social societies are not characterized by which of the following? Youth social जो insect की society होती है, उनमें कौन से features देखने को नहीं मिलते हैं? उनमें altruism देखने को मिलता है? जी हाँ. Kin selection? जी हाँ. Guarding against intruder, यानी दूसरों के द्वारा, मतलब ये जो दूसरे अटैक करेंगे उनके पॉपुलेशन पे, उससे जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है. बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप सारे के सारे मिलकर एक साथ रहते हैं, तो प्रोटेक्शन करना भी उन्हीं का काम होता है. पेरेंट पेरेंटल केयर प्रोवाइड करना, खाना ढूंढ खिलाना, ये सब काम करते हैं. इक्वल रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नहीं. जिसमें कि क्वीन को रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलती है, वर्कर्स को नहीं मिलती है, तो ये अनइक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, राइट? तो इक्वल तो नहीं होगी, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया. तो फोर्थ जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है यू सोशल सोसाइटीज का. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन रूल, आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन द टू इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल, बी इज द बेनिफिट टू द रिसिपिएंट एंड सी इज द कॉस्ट. आपको बताना है प्रूव हो रहा हो तो वो ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को दिखाता है. आप तो फिर आप फॉर्मुला सेलेक्ट कर लीजिए. आर बी इज इक्वल टू सी, बिल्कुल नहीं. आर सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल नहीं. आर इज ग्रेटर देन सी बाई बी, इसको रीअरेंज करके देखते हैं. आर बी इज ग्रेटर देन सी होता है, तो आर को अगर यहीं छोड़ दे तो सी बाई बी हो जाता है. यानी थर्ड वाला सही है, इसको रीअरेंज करके बस दिया है. आर सी माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, गलत. ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा थर्ड. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन रूल, ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कैन इवॉल्व व्हेन आरबी इज ग्रेटर देन सी, वेयर बी इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन बाय द रिसिपिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट, सी इज द कॉस्ट टू द एक्टर अराइजिंग फ्रॉम परफॉर्मिंग द ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट, एंड आर इज द रिलेटेडनेस बिटवीन दी. आपको बताना है आर जो है रिलेटेडनेस किसके बीच का होता है, किसके बीच के हम रिलेटेडनेस को देखते हैं आर के थ्रू. तो परफॉर्मर और रिसिपिएंट, इनके बीच के आर को हम देखते हैं, राइट? तो बोला इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट, बिल्कुल. एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ रिसिपिएंट, नहीं. ये हो गया ट्रू. रिसिपिएंट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट, नो. इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट एंड द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, नो. सीधी बात, नो बकवास भाई. ऑल्ट्रिस्टिक एक्टर एंड रिसिपिएंट के बीच का रिलेशन देखा जाता है, जिसे हम आर कहते हैं, दैट इज जेनेटिक रिलेटेडनेस. ठीक है, हमारा आंसर हो गया सेकंड. अगला है, ऑल्ट्रिज्म डिस्क्राइब अ बिहेवियर परफॉर्म्ड बाय एनिमल दैट मे बी डिसएडवांटेजियस टू सेल्फ व्हाइल बेनिफिटिंग द अदर्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द ऑल्ट्रिज्म? पहला है, इट इज द नेट गेन ऑफ डायरेक्ट फिटनेस व्हेन सोशलिटी इज फैकल्टेटिव. ये जो है डायरेक्ट फिटनेस पे फोकस करता है, बट हमको पता है कि ये डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस दोनों पे फोकस करता है. पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया. नेक्स्ट, इट इज अंडर द पॉजिटिव सिलेक्शन वी आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट दैट एक्सीड्स द डायरेक्ट फिटनेस कॉस्ट. यानी कि ये एक पॉजिटिव सिलेक्शन का पार्ट होता है, जिसमें इनडायरेक्ट फिटनेस बेनिफिट दिया जाता है, जो कि बड़ा होता है डायरेक्ट कॉस्ट के कंपैरिजन में. यानी कि जो परफॉर्म कर रहा है ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट, वो अपना डायरेक्ट फिटनेस भी देखता है इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन ऑफस्प्रिंग, तो वो कुछ कॉस्ट झेलता है, उस कॉस्ट से बेनिफिट बड़ा होता है जो कि इनडायरेक्ट फिटनेस में दिया जाता है. तो इस लाइन का सिंपल मीनिंग पता है क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड यूज करके इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, बट इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑल्ट्रिज्म परफॉर्म कर रहा है तो वो एक कॉस्ट पे कर रहा है, और रेसिपिएंट को मिल रहा है क्या? बेनिफिट. तो वो कॉस्ट से ज्यादा बड़ा बेनिफिट होना चाहिए. तो जिसकी मदद कर रहा है वो उसका इनडायरेक्ट फिटनेस कहलाएगा, और वो इंसान जो हेल्प कर रहा है उसका अपना भी डायरेक्ट फिटनेस कुछ इंक्लूड होगा. तो वही बोला है कि जो डायरेक्ट फिटनेस का कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए? उससे बड़ा बेनिफिट होना चाहिए, जो कि इनडायरेक्ट बेनिफिट के फॉर्म में देखा जाएगा. तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट, इट जनरेट इनडायरेक्ट बेनिफिट बाय इनहेंसिंग द सर्वाइवरशिप ऑफ किन. यानी कि ये इनडायरेक्ट बेनिफिट भी जनरेट करता है अपने किन को सर्वाइवल देके. बिल्कुल दे सकता है, किन की मदद की जाती है, चाहे वो सर्वाइवल में हो चाहे वो रिप्रोडक्शन में. नेक्स्ट, इट इज फेवर्ड व्हेन आरबी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो, वेयर सी इज द फिटनेस कॉस्ट टू द ऑल्ट्रिस्ट, बी इज द फिटनेस बेनिफिट टू द रिसिपिएंट, एंड आर इज द जेनेटिक रिलेटेड रूल की बात कर दी गई. तो देखा जाए तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट, जो कि इनकरेक्ट है. अगला है, इन यू सोशल इंसेक्ट मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग व्हाइल द फीमेल डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग. द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस डिफरेंस इज, ये जो डिफरेंस है कि भाई मेल अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा हो रहे हैं, फीमेल फर्टिलाइज्ड एग से हो रही है, तो इस डिफरेंस का रिजल्ट क्या होता है? इन एनी कॉलोनी देयर आर ऑलवेज मोर मेल देन फीमेल, ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है. अ फीमेल इज जेनेटिकली मोर क्लोजली रिलेटेड टू हर सिस्टर देन हर ओन ऑफस्प्रिंग. एग्जैक्टली, इससे इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो दो सिस्टर होती है वो आपस में ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है 75 से, कंपेयर टू अगर एक मदर एंड डॉटर के बीच में देखा जाए जो कि होता है 50% शेयरिंग. यानी एक जो मदर होती है वो अपने डॉटर से 50% जीन शेयर कर रही होती है, लेकिन दो सिस्टर्स अपने बीच में 75% जीन शेयर कर रही होती है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया, दैट इज सेकंड. अगला है, ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, राइट? ये ऑलरेडी डन हो गया था, ये हमारा बेनिफिट निकला था, दैट इज बी इज ग्रेटर देन 120, ये क्लास में कल कर लिया था. ओके,
अगला क्वेश्चन है इंडिविजुअल ए कैन डिराइव फिटनेस बेनिफिट ऑफ 160, बेनिफिट है 160 बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल बी बट इनक्योर अ फिटनेस कॉस्ट ऑफ 50, कॉस्ट है 50। डूइंग सो फॉलोइंग द हैमिल्टन रूल ए शुड हेल्प बी ओनली इफ बी इज हिज, आपको बताना है कि बी उसका क्या लगेगा जिससे कि ये जो अल्ट्रिस्टिक एक्ट है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो हमको पता है आर बी इज इक्वल्स आर बी इज ग्रेटर देन सी, हमको आर पता लगाना है, सी है यहाँ पे 50 बाय 160। आर जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.3, और हमको पता है आर अगर 0.3 से बड़ा होगा तो वो 0.5 ही हो सकता है। अगर ऐसा देखा जाए तो ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, फर्स्ट कजन कजन अंकल या नेफ्यू नीश का नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन हमने क्या किया था कल, ये क्वेश्चन कल लिया था ना कल, ये वाला क्वेश्चन कल क्लास में ही किया था ये वाला। अगला है वर्कर बी इंस्टेड ऑफ देमसेल्फ रिप्रोड्यूसिंग दे हेल्प द क्वीन टू रिप्रोड्यूस, वर्कर बी जो है वो खुद रिप्रोड्यूस करने के बदले क्वीन की मदद करती है रिप्रोडक्शन में, इस बिहेवियर को आप किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, किन सिलेक्शन के थ्रू, बिल्कुल ग्रुप सिलेक्शन के थ्रू नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू भी नहीं कर सकते, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू भी नहीं कर सकते। अगला है डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स इज, कितना होता है ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में जो आर होता है वो कितना होता है 0.5 यानी 50%, राइट। तो बोला इट इज हायर देन बिटवीन द सिस्टर एंड ब्रदर, सिस्टर और ब्रदर के बीच में भी तो 0.5 होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लोअर देन द सिस्टर एंड ब्रदर, बिल्कुल नहीं, जब पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में 0.5 हो रहा है तो सिस्टर और ब्रदर के बीच में 0.5 होता है, उनसे लेस कैसे हो गया, गलत हो गया। सेम एज बिटवीन द सिस्टर एंड ब्रदर एक्जैक्टली, क्योंकि सिस्टर एंड ब्रदर के बीच में भी 0.5 होता है एंड ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट के बीच में भी 0.5 होता है, शुड बी सेम, नॉट मोर देन नॉट लेस देन, और डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सिबलिंग्स, बिल्कुल नहीं। अगला है assume that the individual A want to do altruistic act to the individual B and that the benefit and the cost of doing this act are in fitness unit 40 and 12 respectively. So benefit है यहाँ पर 40 and cost है 12, right? Yes. So according to the Hamilton rule, A should perform the altruistic act only if B is his. आपको बताना है B जो है A का क्या लगता है जिसकी वजह से ये altruistic act perform किया जाएगा, यानी आपको R निकालना है। तो आपको पता है R B is greater than C, तो R as it is छोड़ दीजिए, C by B कर दीजिए, R यहीं पर आएगा, C कितने हैं 12, B है 40, तो ये हो जाएगा लगभग 0.3 से बड़ा आएगा, राइट। और आर अगर 0.3 से बड़ा है तो मतलब ये 0.5 भी हो सकता है, तो नेफ्यू के साथ तो नहीं होगा, नेफ्यू के साथ 0.25 हो जाएगा, नीस के साथ भी नहीं होगा, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर नहीं हो सकता, डॉटर या सेंटर रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेमिनोप्टेरा इंसेक्ट्स मेल आर हैप्लॉइड एंड फीमेल आर डिप्लॉइड, ऑल फर्टिलाइज्ड एग गिव्स टू द फीमेल एंड अनफर्टिलाइज्ड एग विल गिव रेस्ट टू द मेल्स, एज अ रिजल्ट इफ फीमेल मेट विद अ सिंगल मेल द फीमेल इन द प्रोजेनी आर रिलेटेड टू 75%, but if the mother had match with male the mean genetic relatedness of female progeny is correctly represented by, ab aapko batana hai ki mother agar mate karti hai ek male se to female progeny ke beech mein kitna dekhne ko mil sakta hai, that is relatedness, right। to agar hum dekhe to humko pata hai ki agar aisa karti hai to humko 75% dekhne ko mil sakta hai sister sister ke beech mein and sister brother ke beech mein 25% mil sakta hai for unfertilized egg। to is hisab se chalte hain to dekhiye agar number of males ki agar hum baat karte hain to jab number of males zero hai तो जेनेटिक रिलेटेडनेस की अगर हम बात करते हैं तो दो सिस्टर के बीच में जो है जेनेटिक रिलेटेडनेस 75 होगा, और अगर मेल्स आ जाते हैं मतलब उनके ब्रदर आ जाते हैं तो ये रिलेटेडनेस जो है सिस्टर सिस्टर का 75 से जो है घटकर सिस्टर ब्रदर में जो है ये 25 के बराबर हो जाएगा। तो देखा जाए तो पहला ही ग्राफ सही लग रहा, दूसरे ग्राफ में ये जीरो आ गया जो कि नहीं होगा, तीसरे ग्राफ में अगेन ये जीरो आ गया, चौथे ग्राफ में तो 75 से भी ऊपर चला गया, तो गलत होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको सिस्टर सिस्टर का दे रहा है और ये वाला पॉइंट सिस्टर ब्रदर का दे रहा है, 75 and 25, सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला है इन सम स्पीसीज ऑफ न्यू वर्ल्ड मॉन्की ओनली वन फीमेल रिप्रोड्यूस इन अ ग्रुप, वन और मोर यंग फीमेल हैव सप्रेस्ड रिप्रोडक्शन एंड असिस्ट द रिप्रोडक्टिव फीमेल, यानी जो न्यू वर्ल्ड मॉन्की का ग्रुप है उसमें एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है और जो बाकी यंग फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उस एक फीमेल की मदद करती हैं, उसको असिस्ट करती हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस पाने में, लेकिन वो खुद जो है रिप्रोडक्टिवली सप्रेस्ड रहती हैं, स्टराइल रहती हैं। ये किसका एग्जांपल है, क्या ये सेक्सुअल सिलेक्शन का एग्जांपल है, नहीं, ग्रुप सिलेक्शन का भी नहीं है, ये किन सिलेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि अपने किन की मदद की जा रही है, रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म का भी केस नहीं है क्योंकि इसमें अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ज्यादा केस देखा जाता है। अगला है द आइडिया दैट एन ऑटिस्टिक जीन विल बी फेवर्ड इफ आर बी सॉरी आर इज ग्रेटर देन सी बाय बी वेयर आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, बी इज द बेनिफिट टू द रेसिपिएंट ऑफ ऑल्टरिज्म एंड सी इज द कॉस्ट इनक्योर टू द डोनर इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हैमिल्टन रूल कहते हैं। इन ऑटिस्टिक एक्ट इफ डोनर सैक्रिफाइस सी ऑफस्प्रिंग व्हिच हेल्प द रेसिपिएंट टू गेन बी ऑफस्प्रिंग एंड द डोनर इज रिलेटेड टू द रेसिपिएंट बाय द कोफिशिएंट ऑफ गामा, तो यहां पे आर के बदले गामा मेंशन कर दिया है, अंडर विच कंडीशन वुड किन सिलेक्शन फेवर दिस ऑल्टरिस्टिक ट्रेड, कौन से कंडीशन में ये किन सिलेक्शन ऑल्टरिस्टिक ट्रेड को फेवर करेगा, कौन से कंडीशन में करता है, हैमिल्टन रूल के कंडीशन में करता है, हैमिल्टन रूल सैटिस्फाई कर दीजिए ऑल्टरिस्टिक ट्रेड या जीन जो है वो फेवर कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी वो एक्शन देखने को मिलेगा। तो हैमिल्टन रूल का फॉर्मुला क्या होता है, दैट इज आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, यहां पे आर की जगह गामा है तो क्या हो जाएगा, गामा बी शुड बी ग्रेटर देन सी, अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसी को हम रीराइट करके गामा बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो ऐसे भी लिखते हैं हम, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जेनेटिक रिलेटेडनेस आर ऑफ अ इंडिविजुअल टू हिज नेफ्यू इज 0.25, आर कितना है 0.25 दे दिया है।
The allele that cause uncle to care for the nephew will spread according to the Hamilton rule if only if the fitness benefit is. अब आपको benefit निकालना but यहाँ cost भी मालूम है तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला तो भाई एक ही है और तो कुछ तिगड़ा भिड़ा नहीं सकते हैं कि फॉर्मूला आर बी इज ग्रेटर देन सी. तो आर बी को हम यही रख देते हैं, सी को हम यहाँ ले लेते हैं, आर को यहाँ ले लेते हैं. तो बी इतना ही रहा, सी बाई आर कितना है 0.25. डेसिमल को नीचे से हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 20, दैट इज 100. तो ये हो जाएगा 100 divided by 25. अगर देखते हैं तो ये 4 टाइम्स जाएगा, राइट, 4 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे सी भी रहेगा, सी तो 4 टाइम्स होगा. तो ये क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ केयर. यानी जितना कॉस्ट होगा ना बी जो है 4 टाइम जितना कॉस्ट होगा उससे भी काफी ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा. तो आपसे बेनिफिट ही पूछा था तो देखिए कोई आंसर हमारा सूटेबल मिला यानी इट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ केयर, नो, मोर देन द कॉस्ट ऑफ केयर बाय 25%, नहीं, हमको तो ऐसा कुछ नहीं मिला. डबल द कॉस्ट ऑफ केयर, नो, इट इज 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ केयर, एक्जैक्टली. फोर्थ क्वेश्चन, अगला, इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर एज अ सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस. ठीक है, इंक्लूसिव फिटनेस जो है इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस. ओके, इमेजिन यू हैव अ 10 ऑफस्प्रिंग. ओके, डेजेंट केयर 5 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस. अच्छा, तो डायरेक्ट फिटनेस की बात कर लेते हैं. बोला है आपके 10 ऑफस्प्रिंग है लेकिन 5 ही सर्वाइव कर पाए रिप्रोड्यूस करने के लिए. तो मैं सिर्फ 5 को ही लूंगी तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू आर लूंगी मैं. ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस का देख लेते हैं. यू गिव योर लाइफ इन अ हेरोइक डीड टू सेव अ टोटल ऑफ 5 ऑफ योर नीश एंड नेफ्यू. और 5 आपने नीश एंड नेफ्यू को भी एक तरीके से बचाया जिसका हो जाएगा 5 इनटू आर. व्हाट इज योर इंक्लूसिव फिटनेस, तो देख लेते हैं. यहां पर जाएगा 5 इनटू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 5 इनटू नीश एंड नेफ्यू के साथ कितना शेयरिंग होता है 0.25. 5 5 is 25 हो जाएगा ये 2.5 प्लस ये हो जाएगा 5 5 is 25 5 2 5 is 10 11 12 1.25, राइट. अब अगर ऐसा करते हैं तो इसको प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ आ जाएगा 3 4 5 6 7 7 3 7 3.75 जो है इंक्लूसिव फिटनेस हो जाएगा आपका, दैट इज 4. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग को लेते हैं. चाहे सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग में ये क्यों ना बोल दिया हो कि हाँ भाई 10 ऑफस्प्रिंग थे, अगर बोल देता 8 बच गए हैं जिनमें से 4 को आपके पेरेंटल केयर की जरूरत थी और 4 बिना आपके पेरेंटल केयर के पल गए, इन दैट केस ऑल्सो आप पूरे के पूरे 8 लोगे. चाहे आपके पेरेंटल केयर की जरूरत उनको पड़ी हो या ना पड़ी हो, अगर वो जिंदा है तो वो आपकी फिटनेस में काउंट होंगे इन केस ऑफ डायरेक्ट फिटनेस. ऐसा नहीं कि आपने 4 को ही से पेरेंटल केयर दिया तो आप सिर्फ 4 को लोगे. 10 पैदा हुए थे और 8 सर्वाइव कर रहे हैं, यानी 2 की डेथ हो गई 8 सर्वाइव कर रहे हैं. तो टोटल जितना सर्वाइव कर रहे हैं वो सब आपके फिटनेस में काउंट हो जाएंगे. तो कभी कभी सीएसआर ऐसे ट्रिक खेलता है, वो देता है 8 हैज सर्वाइव थ्रू विच इन विच 4 ऑफ देम विल रिक्वायर योर पेरेंटल केयर एंड 4 विल नॉट. तो आपको लगेगा कि भाई सिर्फ 4 को ही फिर फिटनेस मिलेंगे, नहीं, बाकी 4 को भी लेंगे जिनको आपके पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं है, वो भी आपके फिटनेस में ही काउंट होंगे. ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन. वैसे तो ये क्वेश्चन जेनेटिक्स का है, प्रॉपर जेनेटिक्स का है, बट क्योंकि हमने ट्रिक सिखाया तो हम इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं. बोला है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बताना है. तो ये तो ऐसे ही बता दिया जाएगा, ए और बी के बीच में जो है पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग का रिलेशन बन रहा है तो 0.5 हो जाएगा. ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड सन का या चिल्ड्रन का रिलेशन बन रहा है, ये हो जाएगा 0.25. ठीक है, और डी एंड सी के बीच में, डी एंड सी के बीच में अगर देखा जाए तो ये कजन का रिलेशन बन रहा है. फिर भी अगर आप चाहो तो एक जनरेशन 2 और 3 इसको, मतलब कि 3 स्टेप लेना पड़ रहा है इसको काउंट करने के लिए. तो हमने देखा था 1/2 भी कर देंगे, ये हो जाएगा 2 to 4, 4 to 8, 1/8 जो कि हो जाएगा 0.125. अब देख लीजिए ये किसका हो गया, ये हो गया डी एंड सी का. तो ये हमारा आंसर आ गया 0.5, 0.25 एंड 0.125 फर्स्ट वाला ऑप्शन. अगला है द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हैमिल्टन रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरिज्म इज सी इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ बिहेवियरल एक्ट टू द एक्टर, बी इज द बेनिफिट ऑफ दैट एक्ट टू द बेनिफिशियरी एंड आर इज द जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन द एक्टर एंड द बेनिफिशियरी एंड सी इज द 0.5 एंड आर इज 0.5. आपको बताना है कौन सा सही होगा. सी शुड बी ग्रेटर, सॉरी, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी. हमको भी तो यही पता है आर बी इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे भी तो वही बोला, तो पहला ही ऑप्शन तो सही हो गया. ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं और ये भी नहीं, पहला ही ऑप्शन सही हो गया. डायरेक्टली फॉर्मुला आपको पिक करना था और कुछ नहीं, बस इन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया है, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और साइन भी चेंज कर दिया. ठीक है, ओके, वी आर डन. पहला क्वेश्चन है टेम्पोरल आइसोलेशन इन द ब्रीडिंग सीजन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लीड टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन गिवन बिलो आर ब्रीडिंग सीजन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्रॉग. यहाँ पे फ्रॉग की डिफरेंट स्पीसीज को देखे रखा है, दैट इज प्लॉट यहाँ दिया है ए बी सी और स्पीसीज दिया है एम एन ओ पी क्यू आर. ठीक है, बोला गया है विच ऑफ द अबव प्लॉट रिप्रेजेंट टेम्पोरल आइसोलेशन इन ब्रीडिंग सीजन अमंग क्लोजली रिलेटेड सिंपैट्रिक स्पीसीज. यानी कि सिंपैट्रिक स्पीसीज है ये और इनमें टेम्पोरल आइसोलेशन होके रखे हैं. आपको बताना है कि कौन सा प्लॉट जो है हमें टेम्पोरल आइसोलेशन बता पा रहा है. तो देखिए पहला प्लॉट ए देखते हैं, तो यहाँ पे तो ओवरलैप हो रहा है तो ये टेम्पोरल आइसोलेशन नहीं है. उसके बाद अगर देखते हैं तो बी में ओवरलैप नहीं हो रहा है, राइट, तो बी में टेम्पोरल आइसोलेशन हुआ है. और सी प्लॉट में यहाँ पे सी में भी जो है टेम्पोरल आइसोलेशन नहीं, टेम्पोरल आइसोलेशन हुआ है क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि
बी प्लॉट में और सी प्लॉट में टेम्पोरल आइसोलेशन हुआ है, यानी जो स्पीसीज है, लाइक अगर मैं ओ की बात करूं तो जो ओ स्पीसीज है वो कब एक्टिव होगा सेक्सुअली, यानी उसका ब्रीडिंग सीजन कब आएगा, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में, जबकि पी का ब्रीडिंग सीजन कब आएगा, ये आएगा मार्च से लेकर जुलाई के बीच में। इनके बीच में टाइम जो है बैरियर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट स्पीसीज की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं, तो क्यू जो है वो मई से लेकर जुलाई तक एक्टिवली रह पा रहा है ब्रीडिंग सीजन में। आर जो है वो फेब से लेकर अप्रैल तक रह रहा है, दोबारा से अगस्त से लेकर नवंबर तक रह रहा है, तो इनके बीच में भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, तो टेम्पोरल आइसोलेशन हो गया, मतलब बी और सी में टेम्पोरल आइसोलेशन हो गया, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है जून 2023 का, आपको पी एंड क्यू को मैच करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच बिटवीन द प्रीजाइगोटिक, अच्छा आपको प्रीजाइगोटिक कंडीशन पोस्टजाइगोटिक कंडीशन को जो है मैच करना है। जैसे प्रीजाइगोटिक में यहाँ कौन कौन सा, प्रीजाइगोटिक यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, यानी जाइगोट बनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो प्रीजाइगोटिक में देखिए सीजनल हो सकता है कि भाई दोनों का सीजन अलग अलग है एक्टिवेट, मतलब कि ब्रीड करने का, तो उनमें ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी तो हमको पोस्ट जाइगोटिक में मिला था, क्योंकि जाइगोट बन चुका था लेकिन इनवायबल था, यानी उसकी मतलब की डेथ हो जाएगी, ये सेकंड हो गया। एफ टू ब्रेकडाउन भी हमको पोस्ट जाइगोटिक में मिला था, जिसमें कि F1 जनरेशन तो फर्टाइल आ जाएगी लेकिन जो F2 जनरेशन होगी वो इनफर्टाइल होगी, इसको हम F2 फिटनेस या F2 ब्रेकडाउन कहते हैं। और स्टिग्मेटिक S1 रिस्पॉन्स ये प्लांट में होता है, ठीक है, ये प्लांट में होता है जिससे कि कंपेटेबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, तो ये हो गया क्या फोर्थ। तो अगर देखा जाए तो A का 1 एंड 4, A का 1 एंड 4 सिर्फ थर्ड में है और B का 2 एंड 3, दैट इज फर्स्ट, ठीक है। गाइस गिव मी अ सेकंड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टू पॉपुलेशन ऑफ अ स्क्वायरल, दे इवॉल्व अक्रॉस टू रीजन सेपरेटेड बाय अ लार्ज ज्योग्राफिकल बैरियर। अब यहाँ पे पहला हिंट आ गया, दैट इज ज्योग्राफिकल बैरियर का, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल बैरियर हमको जानने को मिला था और बोला है कि दो पॉपुलेशन जो है स्क्वायरल की वो इवॉल्व हो गई है दो रीजन में, जो कि ज्योग्राफिकल बैरियर के द्वारा सेपरेटेड थी। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दीज पॉपुलेशन आर रिप्रोडक्टिवली एंड ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ज्योग्राफिकल बैरियर आया है, सबसे बेटर एग्जांपल यहाँ पे हमारे लिए सेकंड होगा, दैट इज एलोपैथिक स्पीसिएशन, सिंपैट्रिक होगा नहीं, आर्टिफिशियल स्पीसिएशन है नहीं, एनाजेनेसिस है नहीं। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन। पहला है एलोपैथिक स्पीसिएशन अकर बिटवीन एडजेसेंट पॉपुलेशन, गलत। पैरापैथिक स्पीसिएशन में अकर बिटवीन ज्योग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन, गलत। सिंपैट्रिक स्पीसिएशन अकर विद इन वन कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, यस दिस इज ट्रू। Fourth, asymptotic speciation occur when continuously distributed population are fragmented. No, there is no fragmentation. Third option. Agla hai, species of grass grow around a mine area having a patches of heavy metal contaminated soil. Some of the population of species grew selectively on the soil that are contaminated with heavy metal. Over a period of time, though the tolerant and non-tolerant grass population were continuously distributed, not separated by the geographical barrier, they eventually evolve a different flowering time and become different species. What kind of speciation would you call this? तो क्योंकि इनमें geographical barrier नहीं आया है, दोनों population adjacent है, आधी मतलब कुछ कुछ plant का कुछ grass का जो part है वो metal tolerant हो चुका है, कुछ non tolerant है। ये किसका example है, allopatric का तो नहीं है, sympatric का भी नहीं है, parapatric का है, bottleneck effect नहीं है। अगला है, speciation in which population split into two geographically isolated population experience a dissimilar selection pressure and genetic drift is known as, यानी कि जब speciation हुआ तो उस time पे दो population split हो गई और geographically isolate हो गई एक दूसरे से, और जिसके ऊपर dissimilar selective pressure लग रहा है और genetic drift भी उसके ऊपर apply हो रही है। ये किसके बारे में, किस type के speciation के बारे में बोला है? Sympatry तो है नहीं, geographically isolated है तो para नहीं होगा, peri है नहीं क्योंकि कोई small population नहीं बोला है, split बोला है, divide हुई है ये, तो ये हो गया लास्ट ऑप्शन, दैट इज एलोपैट्रिक। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन अ स्टडी ऑफ सेक्सुअल आइसोलेशन इन अ स्पीसीज ऑफ सैलामेंडर साइंटिस्ट ब्रॉट टुगेदर मेल एंड फीमेल फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन एंड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, दे ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटिंग एंड कैलकुलेटेड अ सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स। वन ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन द मेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड जेनेटिक डिस्टेंस एंड द अदर शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो हमारे पास एक्चुअल में दो ग्राफ है, ठीक है, एक क्या बता रहा है सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स वर्सेस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बता रहा है, ठीक है, और दूसरा बता रहा है बिटवीन मेटिंग फ्रीक्वेंसी, मेटिंग फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेनेटिक डिस्टेंस, बट आपको पता नहीं है कि कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है। आपको जो है एप्रोप्रिएट टर्म सेलेक्ट करना है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू के लिए इन द फिगर अबव। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, अगर हम पहला वाला ग्राफ देखें तो पहला वाला ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इस हिसाब से चलते हैं तो
हमको पता है कि जेनेटिक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो ये हम इसको जीआई कर सकते हैं, दैट इज द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, और इसको कर सकते हैं हम सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये वाला हमारा डन हो गया। अब ये जो है इसके लिए हम कर सकते हैं कि ये हो गया जेनेटिक डिस्टेंस। जेनेटिक डिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो मेटिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो मेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और जेनेटिक डिस्टेंस कम रहेगा तो मेटिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, यानी यहाँ पर इनवर्सली रिलेशन है, राइट? क्योंकि सीधी सी बात है, आपको देखिए ना, जेनेटिक डिस्टेंस हाई यानी कि जेनेटिक लेवल पे बहुत डिफरेंसेस, यानी दोनों स्पीसीज डिफरेंट है, तो उनमें मेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और जेनेटिक डिस्टेंस उनके बीच में कम रहा तो उनके में मेटिंग फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। तो ये रिलेशन तो किसका है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स ग्राफ भी दिया गया है, तो जब मेटिंग फ्रीक्वेंसी लो है कब लो है, जब जेनेटिक डिस्टेंस हाई है, इस हिसाब से चले। तो हमारा पहला आया है जेनेटिक डिस्टेंस, दूसरा है सेक्सुअल आइसोलेशन इंडेक्स, ठीक है, x2 हमारा जेनेटिक डिस्टेंस है, y2 हमारा मेटिंग फ्रीक्वेंसी, पहला ही ऑप्शन देखिए सही है, फाइन। अगला है वॉल्बेशिया आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, मेनी डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ विच आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन अ इंसेक्ट, दे इंड्यूस मेटिंग इनकम्पैटिबिलिटी इन द होस्ट। तो वॉल्बेशिया जो है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट के पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है और उनमें मेटिंग इनकम्पैटिबिलिटी लेकर आता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मेल अफेक्टेड है एक स्ट्रेन से, वो उसी फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है जो कि सेम स्ट्रेन से अफेक्टेड है। मतलब कि मान लीजिए कि ये जो वॉल्बेशिया है इसके बहुत सारे स्ट्रेन है, ए स्ट्रेन, बी स्ट्रेन, सी, डी, ऐसे, ठीक है, तो जो मेल, लेट सपोज ये मेल ए स्ट्रेन से अफेक्टेड है, तो ये उसी फीमेल से मेट कर पाएगा जो फीमेल ए स्ट्रेन से अफेक्टेड होगी। अगर एक फीमेल है जिसको कि वॉल्बेशिया के बी स्ट्रेन ने अफेक्ट, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इफेक्ट डाला है, तो ये मेल इस फीमेल से मेटिंग नहीं कर पाएगा, ये मेल हमेशा इसी फीमेल से मेटिंग करेगा। सेम गोज विद कि अगर बी स्ट्रेन से कोई मेल अफेक्टेड है तो वो बी स्ट्रेन से अफेक्टेड फीमेल के साथ ही मेटिंग कर पाएगा और किसी मेल के फीमेल के साथ मेटिंग नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं मेटिंग इनकम्पेटिबिलिटी क्रिएट कर देना होस्ट में। नो अदर पैथोलॉजिकल इफेक्ट आर ऑब्जर्व इन द होस्ट, और कोई पैथोलॉजिकल इफेक्ट जो है होस्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। जो मेल एंड फीमेल है ये इंसेक्ट है और इंसेक्ट यहाँ पे होस्ट की तरह काम कर रहा है। आपको बताना है पॉसिबल इवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस फिनोमेनन वुड बी, पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा इस चीज का। पहला, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी इंसेक्ट स्पीसीज, बहुत से इंसेक्ट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने तो देखा कि कोई उसका पैथोलॉजिकल इफेक्ट है नहीं, ये बस इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट कर रही है, मतलब कि अगर इतनी स्ट्रेन ने होस्ट को इन्फेक्ट किया है तो किसी ना किसी मेल को कोई अपना पार्टनर तो मिल ही जाएगा, तो एक्सटिंक्शन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेनी इंसेक्ट स्पीसीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा बहुत से इंसेक्ट में, बट ऐसा कोई हमें यहाँ पर एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है जिससे कि हम कह सकते हैं कि हाँ उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, को एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट, यानी होस्ट और पैरासाइट दोनों एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड टू द रैपिड स्पीसिएशन इन इंसेक्ट, यस ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो ए स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है मेल एंड फीमेल, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही ब्रीड करेंगे, तो इनकी अपनी एक पॉपुलेशन अनजाने में क्रिएट हो जा रही है। जो बी स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, वो अपने आप में ब्रीड करेंगे। सेम गोज विद सी स्ट्रेन से जो इन्फेक्टेड है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, वो अपने आप में ब्रीड करेंगे। तो ये अपने आप में ब्रीड कर रहे हैं, ये फीमेल कभी इस मेल के साथ ब्रीड नहीं करेगी, तो ना चाहते हुए यहाँ पर क्या हो गया है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया है। और आपको पता है किसी पॉपुलेशन में जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है वो स्पीसिएशन करवा देता है, तो इंसेक्ट के पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, स्पीसिएशन हो जाएगा। वी कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, द फिजिकल बैरियर सेपरेट द सिंगल स्पीसीज कॉजिंग टू सेपरेट पॉपुलेशन टू फॉर्म, ओवर टाइम दीज टू पॉपुलेशन अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट, इवेंचुअली दीज टू पॉपुलेशन आर नो लॉन्गर एबल टू सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एलोपेक्टर। A population of widely distributed species get divided into two subpopulation due to the appearance of mountain barrier. So these population evolve into two separate species. This case is a allopathic case. What is required for sympatric speciation? Sympatric speciation के लिए क्या required होता है? Geographical isolation नहीं, inbreeding भी नहीं, rapid environmental fluctuation भी नहीं, reproductive isolation required होता है। वो reproductively isolate हो जाते हैं सबसे पहले, and that is why उनमें breeding नहीं होती है और hence नई species form हो जाती है। In which theory of speciation does a new species emerge from the geographic range of its ancestor? कौन सी ऐसी स्पीसिएशन है जिसमें कि नई स्पीसीज फॉर्म तो होती है बट विद इन द ज्योग्राफिक रेंज ऑफ इट्स एंसेस्टर, ज्योग्राफिक रेंज जो होता है एंसेस्टर का उसी, मतलब कि उसी रेंज में ही ये फॉर्म होती है, कौन सी है ये? एलोपेट्रिक तो नहीं होगी, पैरा भी नहीं होगा, सिंपेट्रिक हो सकता है, पेरी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज फ्रॉम आई गेस फेब और सेप्टेम्बर का है ये क्वेश्चन। A researcher studying a cricket species find that the individual on either side of the large river has a different call frequencies on average. The following statement were made. आपको बताना है correct statement. पहला है, the different call frequency may signal incipient specification.
स्पीसिएशन, तो डिफरेंट कॉल फ्रिक्वेंसी है वो इंसिपिएंट स्पीसिएशन को बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिकॉज हम मान सकते हैं कि हाँ मे बी वो लोग अभी इन बिटवीन द स्टेज है स्पीसिएशन के लिए, एंड दैट इज वाई हमको दो वैरायटी का देखने को मिल रहा है कॉल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट, द चेंज इन कॉल फ्रिक्वेंसी कैन लीड टू द एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। हाँ, क्योंकि रिवर के दो साइड में प्रेजेंट है तो विद टाइम इनमें एलोपैट्रिक स्पीसिएशन देखा जा सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ वन पॉपुलेशन ट्रांसप्लांटेड टू द अदर पॉपुलेशन अक्रॉस द रिवर मे हैव अ लोअर चांस ऑफ फाइंडिंग मेट देन द रेसिडेंट्स। अगर मतलब जब ये स्पीसिएशन कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आप एक साइड के इंडिविजुअल को रिवर के दूसरे साइड पहुंचा दो तो चांसेस हैं कि उसको मेट कम मिलेगी कंपेयर टू वहां के रेसिडेंट। बिल्कुल, क्योंकि उसमें चेंजेस अभी आना शुरू हो चुके हैं, और जब वो चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं तो उस टाइम उसको उसके पुराने पॉपुलेशन के साथ रख देना वो एक ऐसा चांस हो सकता है कि हाँ भाई उसको हो सकता है मेट ना मिले। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है, सॉरी ये सही है। नेक्स्ट है, कॉल फ्रीक्वेंसी हैव चेंज फ्रॉम अल्ट्रासाउंड टू द इंफ्रासाउंड अक्रॉस द रिवर। अब देखिए, हम तो ऐसा कोई यहाँ पे हिंट नहीं दिया गया है जिससे हम कह सके कि हाँ उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रासाउंड से इंफ्रासाउंड में चेंज हो चुका है। So we can say ki we can go with A, B, C, that is first option. No change. Hello everyone, welcome to With Me. मैं हूँ आपकी एजुकेटर ज्योति, जिसमें की मेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस, सेक्सुअल सिलेक्शन, रनअवे सिलेक्शन, चेज अवे सिलेक्शन एंड टेरिटोरियल बिहेवियर के बारे में क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। तो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में एक ही सेशन में सॉल्व करवा रही हूँ। सो लेट्स प्रोसीड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 2019 दिसंबर का, जिसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ वेरियंस इन अ मेल मेटिंग सिस्टम इज वीएम, द वेरियंस इन द फीमेल मेटिंग सिस्टम इज वीएफ, इज स्ट्रॉन्गली मेल बायस्ड। यानी किस में बोला गया है, स्पीसीज पी में बोला गया है, स्पीसीज में बोला गया है कि वेरियंस जो है वो मेल बायस्ड है, यानी ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्गली फीमेल बायस्ड इन स्पीसीज क्यू, क्यू में जो है ये फीमेल बायस्ड है, वीएफ इज ग्रेटर देन वीएम है, और सिमिलर है स्पीसीज आर में जो है बायसनेस नहीं है, ये सिमिलर है। अगर देखा जाए तो हमको पता है मेल बायसनेस किसमें देखी जाती है, जहां पे मेल हीरो होता है, यानी कि पॉलीगाइनी में देखा जाएगा ये, जहां पे फीमेल बायसनेस है मतलब फीमेल वहां की हीरो है, दैट मींस ये हो गया पॉलीएंड्री, एंड जहां पे इक्वल होता है वो हो गया क्या, दैट इज मोनोगैमी। अब इस बेसिस पे चलते हैं तो पी हमारा पॉलीगाइनी आया है, क्यू हमारा पॉलीएंड्री और आर मोनोगैमी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है, द टॉप पैनल ग्राफ ए टू सी, यानी ये तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट अ ट्रेंड ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड पर मेटिंग सीजन with respect to the number of mate, while the bottom panel represent the trend of time invested in parental care with respect to the number of mate in the birds. So bird ke jo hai, bird mein jo mating system hai, usse related yahan pe top panel pe bataya gaya hai ki kitne number of sperm produce kiye gaye hain per mating season mein, aur bottom panel mein bataya gaya hai kitna time invest kiya gaya hai parental care mein. Ab aise question ko, aise question jab bhi aaye na, solve karne ka sabse aasan tarika hai jisse confusion kam hota hai, wo hota hai ki aap options ko pehle dekh lijiye. क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आप बिना ऑप्शन को देखे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप फिर ए को एक बार मैच करोगे वन के साथ, फिर टू के साथ, देन थ्री, देन फोर, फिर बी को सिमिलर बेसिस पे वन टू थ्री फोर सबके साथ मैच करोगे, तो इतना कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो लगभग एक तरीके से 12 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। इससे बेटर है ये जो चार कॉम्बिनेशन दिया है बस इसी को क्रॉस चेक करना है। जैसे कि बोला गया है सी का फोर, सी यानी ये इसका बोला गया है फोर्थ ऑप्शन। तो बोला गया है कि जब नंबर ऑफ मेट एक तरीके से ज्यादा होंगे, क्योंकि ये बढ़ते हुए फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ मेट जब ज्यादा होंगे तो उस टाइम पे शुरुआत में जब नंबर ऑफ मेट कम है तो स्पर्म प्रोडक्शन इतना हाई है, जब ज्यादा हो गए तो ये कम हो गया। तो पहली बात तो ये कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसका ही ग्राफ यहाँ गलत देके रखा है, आगे तो हमको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और बोला गया नंबर ऑफ मेट रहेंगे तो भी पैरेंटल केयर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो पहला वाला ही ग्राफ सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो हम इसको बढ़ा देंगे। सेकंड देखिए ए का टू, ए को अगर देखते हैं तो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस पर मेटिंग सीजन, तो नंबर ऑफ मेट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं देखिए स्पर्म प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना पार्टिसिपेटिंग मेल पार्टिसिपेट करेंगे ऑब्वियसली स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो पहली बात तो ये कि ए वाला ग्राफ हमको सही लग रहा है संभव। अब इसको बोला गया है कि पेरेंटल केयर सेकंड ग्राफ से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि बोला गया है कि जो एक एक मेल जब रहता है तो पेरेंटल केयर हाई होगा, उसके बाद जितने नंबर ऑफ मेट्स बढ़ते जाएंगे दैट मीन्स उनके द्वारा पेरेंटल केयर कम देखा जा सकता है। तो ये अगर सेकंड ग्राफ देखें तो ये पॉसिबिलिटी के अंडर में आता है, क्योंकि नंबर ऑफ मेट जब बढ़ जाते हैं तो समझ लीजिए वहां पे जो रिलेशन हो जाता है वो आ जाता है मल्टीपल पार्टनर्स का। जब एक पार्टनर है यानी जब मोनोगैमी है तो देखिए पेरेंटल केयर हाई मिल रहा है उस टाइम पे, यानी जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है पेरेंटल केयर में वो हाई है, लेकिन जब पार्टनर्स बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं तो उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो मीटिंग में जा रहा है, पेरेंटल केयर में कम जा रहा है। तो इसके साथ हम एग्री कर सकते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन को हम लेके चल सकते हैं। बी वाला जो ग्राफ है देखिए अगेन, जब मेल कम है यानी मेट्स कम है तो स्पर्म का जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है वो कम है, लेकिन जब मेल बीच में ज्यादा हुए तो अचानक से कम क्यों हो गया इसका रीजन पता नहीं है, तो ये भी हट गया। और ए के साथ जो है यहाँ पे वन हो नहीं सकता कि जब पहले कम है मेल तो पेरेंटल केयर ज्यादा हो गया, फिर जब ज्यादा हुए तो कम हो गया, जब सबसे ज्यादा हुए तो फिर से बढ़ गया, तो ये कोई ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी हट गया। तो एक इकलौता जो कि यहाँ पे पॉसिबल रिजल्ट हमको शो कर पा रहा है वो है सेकंड, तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी स्क्यूड अंडर ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होता है इंडिविजुअल का वो सारे ही कंडीशन में स्क्यूड हो सकता है यानी वैरी कर सकता है एक्सेप्ट वन।
जब फीमेल चूजी होती है तब ये स्क्यूनेस देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मेल मेल कॉम्पिटिशन जब इंटेंस होता है तब भी देखने को मिलती है। पेयर बॉन्डिंग जब होती है तब ये देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वन बाय वन का रिलेशन भी देखा जा सकता है। स्ट्रॉन्गली मतलब इमोशनल बॉन्डिंग देखी जाती है तो उस केस में नहीं देखी जाती है। फीमेल प्रेफर मेल विद द लार्जर टेरिटरी, इस केस में भी देखी जा सकती है, क्योंकि जहां पे मेल्स को बराबर का मौका नहीं मिल रहा है फीमेल के साथ ब्रीड करने का, उस केस में हमको स्क्यूनेस देखने को मिल सकती है। सो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। अगला है इन लार्ज हेल्दी पॉलीगाइनस, ठीक है, पॉलीगाइनस पॉपुलेशन ऑफ अनग्यूलेटेड स्पीसीज विद डिस्टिंक्ट शॉर्ट सीजनल मेटिंग द ऑपरेशनल सेक्स रेशियो is that is कितने मेल है, that is कितने फीमेल पे for the reproductive purpose is likely to be resemble which one of the following condition। polygynous population के बारे में बोला है जहां पर मेल इज सुपीरियर, यहाँ पे मेल बायस सिस्टम चलता है। जब पॉलीगाइनस है तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग मेल का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा फीमेल के कंपैरिजन में, क्योंकि पॉलीगाइनस सिस्टम चल रहा है। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन कि मेल विल बी ग्रेटर देन फीमेल। रेयर कंपटीशन फॉर मेट एंड वेरियंस इन फिटनेस इज हायर अमंग फीमेल्स देन अमंग द मेल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मेटिंग सिस्टम। मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, कि ये जो वेरियंस है इन जनरल मेल्स में ज्यादा होती है, लेकिन ये वेरियंस फीमेल में कब होती है, जब हमने एक एक्सेप्शन केस पढ़ा था जिस टाइम पे फीमेल ज्यादा कलरफुल होती है, उसका बॉडी साइज बड़ा होता है और फीमेल जो कलर होता है बॉडी पे वो भी अच्छा खासा होता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है देखने में। अब ये सारे फीचर्स अगर मैं बोलती हूँ तो ये फीचर्स किस सिस्टम के हैं, ये फीचर्स हैं दैट इज पॉलीएंड्री सिस्टम के, राइट, जहां पे एक फीमेल मल्टीपल मेल को अट्रैक्ट करने का काम करती है उस केस में होता है। तो उस केस में ये जो वेरियंस है ये वैरी कर सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि फीमेल का वेरियंस ज्यादा है, जो कि बैट्समैन प्रिंसिपल का जस्ट अपोजिट बोल दिया गया है, तो ये केस हमको पॉलीएंड्री में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटिंग सिस्टम देयर इज लाइकली टू बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर रिप्रोडक्टिव सक्सेस बिटवीन द सेक्सेस, यानी कौन सा ऐसा मेटिंग सिस्टम है जिसमें कि इंटरेस्ट को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्ट्रगल नहीं होता है फॉर रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर ना देखा जाए तो पॉलीएंड्री में भी देखा जा सकता है, प्रॉमिस्क्यूटी में भी देखा जाएगा, पॉलीगैमी में भी देखा जाएगा। मोनोगैमी एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है फॉर द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, क्योंकि वहां पे वन बाय वन का रिलेशन होता है, कोई ऑप्शंस होते नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लाइकली टू फेवर मेल मोनोगैमी, कौन से कंडीशन में मेल मोनोगैमी प्रमोट नहीं की जाएगी। व्हेन मेल हैज टू गार्ड हिज मेट अगेंस्ट मेटिंग बाय द अनदर मेल, ये तो मोनोगैमी में देखने को मिलता है और ये मोनोगैमी प्रमोट करता है। नेक्स्ट, व्हेन द मेल वांट टू स्पेंड मोर टाइम फॉर फॉरेजिंग, अगर मेल ने ज्यादातर टाइम फूड खोजने में निकाला तो क्या होगा, उसके फीमेल के साथ कोई और मेल जो है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में चले जाएगा, तो मेल मोनोगैमी जो है तरीके से ब्रेक हो जाएगी, तो ये फेवर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन द मेल हैज टू असिस्ट द मेट इन ब्रूड एंड नेस्टिंग केयर, जैसे कि पैरेंटल केयर से रिलेटेड बोला है, तो बिल्कुल मोनोगैमी में जो है मेल पैरेंटल केयर देते हैं। When the female guard her mate against the seeking other female to mate, yes, इसमें कि हमने देखा था कि एक फीमेल अपने ही मेल पार्टनर को प्रोटेक्ट करती है दूसरी फीमेल से ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि कौन सा नहीं प्रमोट करेगा, दैट इज ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, ये प्रमोट नहीं करेगा मेल मोनोगैमी को। अगला है विच फॉलोइंग सिचुएशन माइट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ मोनोगैमी इन बर्ड, यानी मोनोगैमी मतलब क्या हो गया, वन गर्ल यानी कि वन फीमेल, तो मोनोगैमी को कभी कभी मोनोगैनी भी कहा जाता है, तो मोनोगैनी का मतलब हो गया एक फीमेल के साथ रिलेशन रखना। तो बोला है कि इनमें से कौन सा सिचुएशन जो है वो मेल वो मोनोगाइनी को प्रमोट करेगा। व्हेन मेल हैज टू असिस्ट द फीमेल इन रियरिंग द ऑफस्प्रिंग, जब मेल को फीमेल की मदद करनी पड़ती है पैरेंटल केयर में, आंसर इज यस, तब मोनोगाइनी देखने को मिल सकती है। व्हेन मेल गार्ड द फीमेल अगेंस्ट द मेल ट्राइंग टू मेट हर, बिल्कुल जैसे हम होते हैं मेट गार्डिंग, इन दोनों ही केसेस में हमको मोनोगाइनी देखने को मिलती है। थर्ड है वन मेल मे नॉट प्रोड्यूस इनफ स्पर्म रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज ऑल एग प्रोड्यूस बाय द फीमेल, नहीं ऐसा केस मोनोगाइनी में नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ए और बी जो है दिस टू स्टेटमेंट विल प्रमोट द मोनोगाइनी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट फॉर अ फीमेल अडॉप्टिंग पॉलीएंड्री, इनमें से कौन सा बेनिफिट एक फीमेल को नहीं मिलता है जब वो पॉलीएंड्री अडॉप्ट करती है, यानी एक फीमेल मल्टीपल मेल के साथ रिलेशन रखती है। पहला है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हर एग फर्टिलाइज, ये तो पॉसिबिलिटी में होता है, ये बेनिफिट होता है। एबिलिटी टू रिसीव मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द मेल, यस, क्योंकि मल्टीपल मेल के साथ रिलेशन होता है तो मल्टीपल मेल की टेरिटरी में उसे एक्सेस होता है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन नॉर्मल, नहीं, नॉर्मली जितनी कैपेसिटी है उसकी, यानी जितना वो एग प्रोड्यूस कर सकती है उतना ही तो एग प्रोड्यूस करेगी, उससे ज्यादा ऑल ऑफ सडन तो प्रोड्यूस नहीं करने लगेगी, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है कि हाँ एक ब्रीडिंग सीजन में कितने एग प्रोड्यूस करने वो उतना ही कर सकती है, नॉर्मल की बियॉन्ड में वो क्रॉस नहीं कर सकती है, राइट, ऐसा कोई सुपर पावर उसके पास आता नहीं, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट, इंप्रूव चांसेस ऑफ जेनेटिक कंपैटिबिलिटी विद हर ओन डीएनए, बिल्कुल जेनेटिक कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, तो वी कैन से कि थर्ड ऑप्शन जो है वो बेनिफिट में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट, ग्रेटर मेल इन्वेस्टमेंट इन केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू, ग्रेटर मेल इन्वेस्टमेंट जो है ऑफस्प्रिंग को केयर करने में किसमें देखा जाता है, हमको देखने को मिलता है ये मोनोगैमी में, राइट, मोनोगैमी में हमने ग्रेटर पैरेंटल इन्वेस्टमेंट देखा था। तो ये लीक मेटिंग सिस्टम का पार्ट है, नहीं, स्ट्रॉगर फीमेल चॉइस भी नहीं काम करती है मोनोगैमी में, ना लीक मेटिंग सिस्टम काम करता है ना स्ट्रॉगर फीमेल चॉइस काम करती है। रिवर्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, बिल्कुल रिवर्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, जहां पे देखिए अब ये जो मेल मोनोगैमी की हमने बात की है, तो मेल जो होते हैं मोनोगैमी में वो एक तरीके से ऑफस्प्रिंग की केयर करते हैं। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो जो पॉलीएंड्री होती है, पॉलीएंड्री के केस में भी क्या होते हैं, मेल्स एंड वर्कर्स ये दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन था, अब ये दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन हमारे पास मैच हो जाए। रिवर्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि फीमेल की जो है फीमेल का बॉडी साइज बड़ा होता है, जबकि इन जनरल मेल का बॉडी साइज बड़ा होता है। तो रिवर्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में फीमेल का बॉडी साइज बड़ा होता है, फीमेल का बॉडी साइज बड़ा होता है जब पॉलीएंड्री केस होता है, यानी बॉडी साइज उसका लार्ज होता है, वो ज्यादा ऑर्नामेंटेशन शो करती है। तो वी कैन से कि थर्ड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन लग रहा है, रन अवे सिलेक्शन का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट है सेक्सुअल सिलेक्शन रिजल्ट इन वेरिएशन इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ मेल ऑफन ड्यू टू द फीमेल चॉइस विद पर्टिकुलर फिनोटाइप दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन इज बिकॉज आपको वजह बतानी है सेक्सुअल सिलेक्शन क्यों ऑपरेट हो रहा है बिकॉज मेल कैन नॉट कम्पीट विद अदर मेल गलत है बिल्कुल कम्पीट करते हैं कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग इज हायर फॉर फीमेल एज कम्पेयर टू द मेल एक्जैक्टली ब्रीडिंग करने का जो कॉस्ट होता है एक फीमेल के लिए बहुत हाई होता है कंपेयर टू द मेल क्योंकि उसके एक्स कॉस्टली हैं नंबर ऑफ एक्स लिमिटेड हैं इसके अलावा जो है मतलब कि जो इमोशनल डैमेज होता है फीमेल का वो अलग है फिजिकल डैमेज जो होता है वो सब अलग है तो उन सभी चीजों को कंसिडर किया जाए तो ब्रीडिंग कॉस्ट जो है फीमेल के लिए हाई होता है मेल की कंपैरिजन में इनएप्रोप्रिएट मेटिंग रिजल्ट इन अ सिमिलर रिडक्शन इन द फिटनेस ऑफ फीमेल एंड मेल नो मेल आर लिमिटिंग रिसोर्स फॉर द फीमेल नो फीमेल आर लिमिटिंग रिसोर्स फॉर द मेल अगला द बर्ड स्पीसेस वेयर बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द पैरेंटल केयर जनरली से हम क्या कहते हैं जहां पे दोनों पेरेंट का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है पैरेंटल केयर में दैट इज मोनोगैमी कहते हैं तो बोला है मेल लार्जर देन फीमेल कब होता है दैट इज इन केस ऑफ द पॉलीगाइनी के केस में होता है तो ये नहीं होगा फीमेल आर मोर कलरफुल देन मेल ये होता है पॉलीएंड्री के केस में तो ये भी नहीं होगा फीमेल आर लार्जर देन मेल ये भी इसी केस में होता है बोथ सेक्सुअल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ये होता है मोनोगैमी के केस में देखिए यहाँ पे वर्ड मोनोगैमी डायरेक्टली नहीं लिखा है इन्होंने इनडायरेक्टली ऑप्शन में दे दिया है ठीक है तो आपको पिक करना होगा फिर इसी तरीके से अगला है द रिलेशन बिटवीन द लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड द बॉडी साइज फॉर मेल एंड फीमेल ऑफ स्पीसीज आर शोन इन द फिगर स्पीसीज इज मोस्ट लाइकली टू इवॉल्व आपको बताना है बॉडी साइज यहाँ पे देख रखा है एक्स एक्सिस पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस वाई एक्सिस पे देख रखा है तो आपको बताना है ये है क्या देखिए मेल का बॉडी साइज जो है अगर देखा जाए तो मेल का बॉडी साइज जब बहुत ज्यादा लार्ज हो जा रहा है तब उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस लार्ज हो रहा है ठीक है अब ये जो केस है यानी इसमें मेल बायसनेस चल रही है तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि इसको जो है पॉलीगाइनी होना चाहिए पॉलीगाइनी का ऑप्शन देखिए यहाँ पे नहीं है तो एक एक्सप्लेनेशन पॉलीगाइनी का था दूसरा देखिए क्या है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा है जब उसकी बॉडी साइज ज्यादा है और फीमेल का जब बॉडी मतलब फीमेल का जब बॉडी साइज बड़ा हो रहा है तब उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है अब अगर ये सारे कंडीशन देखा जाए तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पिक कर सकते हैं बॉडी साइज छोटा बड़ा है तो ऑब्लिगेट मोनोगैमी तो होगी नहीं पॉलीएंड्री होने से फीमेल का बॉडी साइज बड़ा होता तो नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल नहीं सकते क्योंकि मेल फीमेल दोनों यहाँ इन्वॉल्व है अब बच गया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसमें कि हमें पता है कि सेक्स के बेसिस पे दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है जो कि बॉडी साइज एंड कलर वगैरह में एंड बॉडी के सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें देखने को मिल सकती है अब इस ग्राफ को देखते हैं तो इसमें हमको ऑब्वियसली मेल में अलग कैरेक्टर मिल रहा है फीमेल में अलग मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉडी साइज यानी एक पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है दैट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अगला क्वेश्चन है मोनोगैमी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल इज सिमिलरली पैराडॉक्सिकल गिवन दैट द मेल मस्ट मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ मेटिंग फॉर द हायर फिटनेस येट मेनी बर्ड्स आर नोन टू बी मोनोगैमस विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ सिनेरियो वेयर मोनोगैमी इन बर्ड इज लीस्ट लाइकली टू इवॉल्व यानी आपको चार कंडीशन दिए गए हैं आपको बताना है कौन से कंडीशन में मोनोगैमी कभी इवॉल्व हो ही नहीं सकती यानी मोनोगैमी कभी देखने को नहीं मिल सकती पहला है पुअर क्वालिटी ऑफ हैबिटेट वेयर रिसोर्सेस आर हार्ड टू फाइंड ऐसे केस में मोनोगैमी देखने को मिल सकती है ताकि ये जो यहाँ पे कमी हो रही है उस कमी को दूर किया जा सके मेल गार्ड फीमेल फ्रॉम मेटिंग विद देम यस ये भी मोनोगैमी को प्रमोट करता है मेट्स आर स्कैटर्ड एंड हार्ड टू फाइंड अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली देखिए जब पार्टनर्स को ढूंढना मुश्किल होता है तो उस केस में क्या होगा कोशिश रहेगी कि हाँ पहला जो पार्टनर मिल गया उसी के साथ एक लंबा रिलेशन रखा जाए तो अगर ऐसा होता है कि मेट्स स्कैटर्ड हैं और बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं तो उस केस में भी मोनोगैमी प्रमोट हो सकती है ऑस्पिन डू नॉट रिक्वायर इलैबोरेटेड पैरेंटल केयर अगर ऑस्पिन को पैरेंटल केयर की जरूरत ही नहीं है और पैरेंटल केयर हमको हाई देखने को मिलती है मोनोगैमी इन दैट केस इस केस में तो कभी भी मोनोगैमी प्रमोट नहीं होगी इस केस में कभी मोनोगैमी इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि मोनोगैमी में पैरेंटल केयर की अच्छी खासी दी जाती है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में ऑस्पिन को जो पैरेंटल केयर है उसकी लंबे टाइम के लिए जरूरत नहीं है तो हम कह सकते हैं फोर्थ केस में कभी भी मोनोगैमी जो है वो एक तरीके से इवॉल्व नहीं होगी अगला क्वेश्चन है बैट्समैन प्रिंसिपल से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बैट्समैन प्रिंसिपल पहला है फीमेल गैमेट आर कॉस्टलियर दैन द मेल गैमेट फैक्ट तो सही है बट ये बैट्समैन प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव वेरिएंस इज ग्रेटर इन मेल देन इन फीमेल एक्जैक्टली ये है बैट्समैन प्रिंसिपल आपको याद होगा मैंने वेरिएंस और बैट्समैन प्रिंसिपल की कोई कंबाइंड स्लाइड्स भी पढ़ाई थी ठीक है नेक्स्ट फीमेल आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड पैरेंटल केयर केयर देन द मेल्स ये चीज भी बैट्समैन प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है मेल यूज कॉस्टलियर डिस्प्ले टू एडवर्टाइज देयर जेनेटिक क्वालिटी ये भी बैट्समैन प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है तो वी कैन से कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ओके अगला ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन फैक्ट 2022 ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें एक तरीके से जो क्वेश्चन है इसमें थोड़े कलरफुल डायग्राम होते हैं तो हमें समझने में काफी ज्यादा आसानी होती है कलरफुल डायग्राम नहीं होने के कारण चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी के लिए बोला गया है कि भाई एक सॉलिड लाइन होगा बट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरी सॉलिड लाइन है तो मैं कैसे पता करूँ कि मोनोगैमी कहाँ कहाँ है और पॉलीगैमी कहाँ कहाँ है मतलब कि मैं इसको अगर जूम करूँ ना तो आप देखिए आप कैसे पता करोगे मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी के लिए सॉलिड लाइन बोला है ये बी साइड में पूरे ही सॉलिड लाइन है तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन को जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम में दिया गया था इसको ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम में नहीं देना चाहिए था बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम में हम इसको नहीं समझ सकते हैं देखिए कलरफुल के बेसिस पे डायग्राम ऐसा होना चाहिए था एक्चुअली कलरफुल डायग्राम था कलर फॉर्म में आता है एग्जाम में तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे जैसे कि क्या बोला गया है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग इफ पैरेंटल केयर दैट इज पीआई इन फाइनल ए ठीक है यहां पे पैरेंटल केयर को बताया गया इन फाइनल ए बाय द मेल सी हॉर्स एंड द पाइप फिश इज कोरिलेटेड विद द मेटिंग पार्टनर यानी एक इन्वेस्टिगेटर है वो जानना चाहता है कि जो पैरेंटल केयर है मेल सी हॉर्स एंड पाइप फिश क्या उसका कोई रिलेशन मेटिंग पैटर्न से है या नहीं क्या उसका कोई रिलेशन मोनोगैमी या पॉलीगैमी से है या नहीं जो कि पैनल बी में दिखाया जाए फॉर दिस द रिसर्चर बिल्ड अ फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए रिसर्चर ने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया सी हॉर्स का एंड पाइप फिश का एंड मैप पी1 एंड एमपी स्कोर
on to the tree as shown in the figure. आपको बताना है based on the tree generated, which one of the following conclusion can researcher correctly arrive at? आपको बताना है इससे आप क्या conclusion निकाल सकते हो. But जैसे कि मैंने कहा, अगर ये colorful form में diagram नहीं दिया गया है, तो इसमें बस आप तुक्का मार सकते हो. Otherwise question नहीं होगा. यहाँ पे देखिए ब्रूड पाउच डेवलपमेंट. ब्रूड पाउच डेवलपमेंट यानी कि पेट के पास एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें कि ऑस्प्रिंग को रखा जाता है. एक को रखा जा सकता है, ऑस्प्रिंग को रखा जा सकता है, ठीक है. अगर ऐसा किया जा रहा है तो मतलब कि पैरेंटल केयर प्रोवाइड किया जा रहा है. अब यहाँ पे मेटिंग पैटर्न में देखिए, रेड कलर वाला जितना लाइन है वो मोनोगैमी को दिखा रहा है, ब्लैक कलर वाला पॉलीगैमी को दिखा रहा है. अब देखिए ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पे है और ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये दिखा रही है अनसर्टेन को, और इससे क्लोज डॉटेड लाइन दिखा रही है जीरो को. तो मतलब कि जब पॉलीगैमी चल रही है, देखिए ये वाली जब पॉलीगैमी चल रही है, तो इसी के बराबर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट नहीं हुआ है. पॉलीगैमी और ब्रूड पाउच के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं मिला. अगला देखिए, अगला ये वाली लाइन जो है ये है मोनोगैमी, ठीक है. तो मोनोगैमी की जब ये वाली लाइन है तो देखिए ये वाली लाइन में देखिए क्या बोला गया है, दैट इज अनसर्टेन, यानी यहाँ पे ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट नहीं हुआ. फिर यहाँ पे देखा जाए अगर तो एक तरीके से ये मोनोगैमी है और इसको देखा जाए तो बोला जा रहा है थर्ड नंबर, यानी कि ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट जो है वो धीरे 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 हो रहा है, ओके. फिर ये वाली भी मोनोगैमी है, देखिए यहाँ पे भी ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है. बीच में देखिए पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी में देखने को मिला है कि ब्रूड पाउच का डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन ये इधर पे हुआ है, इधर वाली पॉलीगैमी में देखने को नहीं मिला, मतलब जब इवोल्यूशनरी ट्री ड्रॉ की गई है. फिर यहाँ पे देखिए मोनोगैमी में दिखाया गया जिसमें कि यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाया गया है और यहाँ पे लेस डेवलपमेंट दिखाया गया है. यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो ना हम यहाँ पे पेरेंटल केयर को, ब्रूड पाउच को ना ढंग से मोनोगैमी से रिलेट कर पा रहे हैं, ना ही प्रॉपर ढंग से एक तरीके से पॉलीगैमी से रिलेट कर पा रहे हैं. दैट इज व्हाट मेंशन, मोनोगैमी डज नॉट कोरिलेट विद मोर इलैबोरेटेड केयर इन द सी हॉर्स एंड फाइव फिश. ब्रूड पाउच डेवलपमेंट स्कोर दैट इज इन ए एंड मेटिंग पैटर्न मोनोगैमी और पॉलीगैमी बी मैप्ड ऑन टू द फाइलोजेनी ऑफ द फैमिली फाइव फिश एंड द सी हॉर्स. स्पीसीज नेम जो है यहाँ पे आपको बोर्ड में देके रखा है और यहाँ पे अलग अलग स्कोर आपको बताए जा रहे हैं. जैसे कि वन नंबर जो है, वन नंबर में बताया जा रहा है दैट इज अनप्रोटेक्टेड ब्रूडिंग, ठीक है. सेकंड नंबर जो है यानी ये वाला वन नंबर, सेकंड नंबर जो है दिखा रहे हैं इंडिविजुअल एग कंपार्टमेंट, थर्ड में दिखाया जा रहा है ब्रूड पाउच विद पाउच प्लेट, उसके बाद जो है इस तरीके से फिफ्थ में, फोर्थ में दिखाया जा रहा है इन्वर्टेड पाउच फोल्ड, थर्ड में दिखाया जा रहा है सेमी इन्वर्टेड पाउच फोल्ड, एंड फिफ्थ में दिखाया जा रहा है कंप्लीटली इनक्लोज्ड ब्रूड पाउच. नाउ द स्पीसीज इन ग्रे वेर यूज्ड एज अ आउटपुट दैट इज जीरो. अब इस तरीके से जब देखें तो हमें कोई भी प्रॉपर ढंग से पैटर्न देखने को नहीं मिला, ना ही हमको पॉलीगैमी में प्रॉपर ढंग से रिलेशन देखने को मिला, क्योंकि जहां जहां पॉलीगैमी था वहां वहां पे वेरिएशन हमको थोड़े बहुत देखने को मिले. उसके बाद मोनोगैमी का भी सेम केस है. तो अगर मैं ऑप्शंस देखती हूँ यहाँ पे तो क्या बोला है, पॉलीगैमी इज कोरिलेटेड विद द सिंपलर ब्रूड पाउच, नो हमें तो नहीं देखने को मिला. मोनोगैमी इज नॉट रिलेटेड विद द इलैबोरेटेड ब्रूड पाउच, यस इसके लिए हम एग्री हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा मोनोगैमी इज कोरिलेटेड विद द इलैबोरेटेड ब्रूड पाउच, नो, एंड पॉलीगैमी इज कोरिलेटेड विद द इलैबोरेटेड ब्रूड पाउच, नो. तो हम देखें तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है सेकंड हो जाएगा. इसको मैं अटैच कर दे रही हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि और जैसे कि मैंने कहा मुझे ऐसा फील होता है कि इस क्वेश्चन को जिस तरीके से इन्होंने दिया वैसे नहीं देना चाहिए था, इनको कलरफुल डायग्राम के फॉर्म में देना चाहिए था, क्योंकि बिना कलरफुल डायग्राम के आपको देखिए हम रिलेट नहीं कर सकते इसको, ठीक है. इससे लेकर सारे जो भी कंटेंट है वो मैंने यहाँ पे दे दिए, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ओके. अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट दैट इज कॉलम एक्स इन अ बिहेवियरल बायोलॉजी एंड दे डिस्क्रिप्शन. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन दोनों को मिक्स कर दिया, बिकॉज यहाँ पे एलई इफेक्ट भी दे दिया है, बैट्समैन हाइपोथेसिस भी दे दिया है, हैमिल्टन ज़ूक हाइपोथेसिस भी दे दिया है. चलिए मैच करते हैं, हमने चालीस हाइपोथेसिस नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोल्ड कर देंगे, बाकी तीन हमने पढ़ा है तो हमें जो है इजीली इससे मैच हो जाएगा. जैसे कि अगर देखा जाए तो हमने हैमिल्टन ज़ूक हाइपोथेसिस पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा था कि जो डिजीज फ्री पैरासाइट मतलब पैरासाइट रेजिस्टेंस जो मेल होते हैं फीमेल उनको ज्यादा प्रीफर करती है, बिकॉज उनको लगता है कि पैरासाइट रेजिस्टेंस मेल जो है वो गुड जीन्स को प्रेजेंट करते हैं. वैसा ऑप्शन देख लेते हैं, एक ही देखिए पैरासाइट एंड पैथोजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल सिलेक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट आर कॉस्टलियर एंड कंडीशन डिपेंडेंट, यस. तो डी के साथ मैच होने वाला ऑप्शन हमको यहाँ सेकंड लग रहा है. नेक्स्ट देखिए हमको एलई इफेक्ट पता है जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट. तो ये देखिए दो सिचुएशन इन व्हिच द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये हो गया थर्ड वाला. तो एक के साथ कौन सा मैच हो गया, एक के साथ मैच हो गया थ्री. उसके बाद हमने बैट्समैन हाइपोथेसिस भी देखे हैं, जिसकी अकॉर्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज मोस्ट स्ट्रांगली लिमिटेड बाय द नंबर एंड द सक्सेस ऑफ एग दैट शी कैन प्रोड्यूस, व्हाइल मेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ मेटिंग ही हैज. यानी क्या बोला गया है, वेरिएंस के बारे में बोला है कि वेरिएंस मेल का जो है फीमेल से बड़ा होता है, एंड फीमेल का डिपेंड करता है कि वो एग का क्वालिटी एंड एग कितना प्रोड्यूस कर रही है, और मेल का डिपेंड करता है कि वो कितने मेट्स के साथ मेट कर रहा है. तो देखा जाए तो बी का हो गया फोर, बी का हो गया फोर, ऑब्वियसली सी का हो गया वन. सी क्या है, चैलेंज हाइपोथेसिस क्या कहता है, मेल मेल इंट्रैक्शन इंक्रीज प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन एंड दस सस्टेन अ सबसिक्वेंट एग्रेसिव बिहेवियर. यानी मेल मेल जब इंट्रैक्शन होता है, कंपटीशन होता है, तो उस टाइम पे दोनों मेल का जो है बहुत एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है. इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज इनका प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन में इंक्रीज चला आता है और वो सस्टेन करता है ताकि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सके एक दूसरे के लिए. तो अगर ऐसे चलते हैं हम तो हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, ओके. अगला सवाल है, तो लॉन्ग फेदर ट्रेन ऑफ अ पीकॉक इज कोटेड एज अ एग्जांपल ऑफ. लॉन्ग फेदर ट्रेन या ट्रेल जो है, टेल, एक इसकी एग्जांपल बनता है. हैमिल्टन रूल का नहीं, जहां भी सैंडी का प्रिंसिपल, यस. रेडपिन हाइपोथेसिस नहीं, हार्डिन रूल भी नहीं, वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट है द पीकॉक टेल इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नो. डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, नो. सेक्सुअल सिलेक्शन का एग्जांपल है, ग्रुप सिलेक्शन का एग्जांपल, यस. थर्ड ऑप्शन. अगला है आपको कॉलम पी एंड क्यू को मैच करना है, जिसमें कि रनअवे सिलेक्शन और चेज अवे सिलेक्शन की बात की गई. चलिए मैच करते हैं, मेल एक्सप्लॉइट अ प्री एग्जिस्टिंग सेंसरी बायस इन फीमेल, फीमेल चूजिंग सच मेल हैव अ हायर क्वालिटी ऑफस्प्रिंग, नो. ऐसा कोई दोनों में से कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी नहीं बताता है. नेक्स्ट, फीमेल चॉइस फॉर मेल टेल अगर ड्यू टू
perpetual error leading to the poor quality offspring. Thus, female will evolve to run away from the male with such trait. No, runaway selection ये नहीं होता है. That is preference and trait का साथ में run होना. That is what the runaway selection. Third, a female choice for male trait result in a positive feedback loop favoring both male with such trait and female that prefer them. Exactly, trait and preference का आपस में correlation होता है. तो A का match हो गया किसके साथ? T के साथ match हो गया. Fourth, a male exploit pre-existing sensory bias in female. Yes, female do not benefit from choosing such male. ड्राइविंग द इवोल्यूशन ऑफ फीमेल दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सच मेल्स. एक्जैक्टली, क्योंकि चेज अवे सिलेक्शन में क्या होता है, मेल्स जो है जो सेंसरी बायसनेस होता है फीमेल में कि हाँ भाई मुझे ऐसा मेल चाहिए, तो वो उसी का इस्तेमाल करके फीमेल मेल जो है फीमेल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है. लेकिन जब फीमेल इस टाइप के मेल को चूज करती है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उल्टा उसको डिसएडवांटेज मिलने लगता है, जिसकी वजह से क्या करती है, फीमेल बाय इवोल्यूशन डिस्क्रिमिनेट करना सीख गई है, यानी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है इस टाइप के ट्रेड के लिए. तो ये ऑब्वियसली ये चेज अवे सिलेक्शन का ही एग्जाम्पल बन रहा है, राइट. तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, ए का 3, बी का 4, दैट इज थर्ड ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड द सिंगिंग बिहेवियर इन सॉन्ग बर्ड द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टर वेर मेजर्ड एज शोन इन द ग्राफ. अच्छा, ए है यहाँ पे टेरिटोरियलिटी रेट, बी है फीमेल फर्टिलिटी रेट दिस वन, एंड सी है सॉन्ग रेट. आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट है. तो देखिए, जो अगर मैं सॉन्ग की बात करती हूँ तो सॉन्ग का रेट है वो बढ़ता जा रहा है डिपेंडिंग कि हाँ भाई टेरिटोरियल रेट भी बढ़ रहा है और एक तरीके से फीमेल का जो फर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ रहा है. मतलब इस सॉन्ग को गाया जा रहा है फीमेल के लिए भी और टेरिटरी को बचाने के लिए भी. तो बोला जा रहा है मेल बर्ड सिंग एज अ डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ टू द राइवल्स. यस, एनी राइवल्स यानी दुश्मन. दुश्मन को अपनी स्ट्रेंथ बताने के लिए सॉन्ग्स को डिस्प्ले किया जा रहा है और साथ ही साथ फीमेल को भी अट्रैक्ट किया जा रहा है. यस, दोनों ही केस चल रहा है. मेल बर्ड सिंग टू डिस्प्ले पैरेंटल केयर बिहेवियर. नो, मेल बर्ड सिंग ओनली टू डिस्प्ले द फीमेल आर सेक्सुअली रिसेप्टिव. नो, फीमेल बर्ड सिंग ओनली टू गेट इन द मेल रिवर फॉर कंप्लीटिंग फॉर द टेरिटरीज. खाली राइवल्स को बताने के लिए नहीं कर रहा है वो, सिर्फ और सिर्फ दोनों केसेस के लिए कर रहा है. दैट फीमेल को भी अट्रैक्ट कर रहा है और साथ ही साथ अपने राइवल्स को भी वॉन्ट कर रहा है. ये चीज हमें इस ग्राफ से ही क्लियर होगा. तो अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन बिलो आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल टेरिटरी साइज. आपको ऑप्टिमल टेरिटरी साइज पता लगाना है जिसमें कि बेनिफिट हाई हो कॉस्ट के कंपैरिजन में. ऑब्वियसली ये ए वाला हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. इसमें बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन में. और दूसरा ऑप्शन बी हो सकता है जो कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नेट बेनिफिट है वो क्या है, लो है कंपेयर टू दिस वन जिसका नेट बेनिफिट हाई है. शोन इन द ग्राफ बिलो आर द फिटनेस कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ फोर अल्टरनेटिव बिहेवियर फिनोटाइप गिवन सफिशिएंट इवोल्यूशनरी टाइम व्हिच फिनोटाइप और फिनोटाइप्स इज लाइकली टू इवॉल्व एज एन एडेप्टेशन. देखिए, इसमें अगर बोला जाए तो एक यहाँ पे जो बिहेवियर है वो है पी, ठीक है, एक है क्यू. अगर अच्छा खासा इवोल्यूशनरी टाइम दिया जाए तो कौन सा बिहेवियर जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा, कौन सा मतलब कि बिहेवियर फिनोटाइप यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा. तो बिहेवियर फिनोटाइप यानी कि मतलब कि बिहेवियर बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करे जो उसको बेनिफिट दे, राइट, और कॉस्ट कम पे करना पड़े. तो देखिए, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे टेरिटरी की बात नहीं हो रही है. अब अगर ऐसा चलते हैं तो देखिए, अगर पी वाला फिनोटाइप है तो पी वाले फिनोटाइप में भी क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज यहाँ पर बेनिफिट है, यानी कि बेनिफिट अच्छा खासा है कॉस्ट के कंपैरिजन में जो कि यहाँ मिल रहा है. और क्यू जो है इसका भी बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, और आर जो है इसका भी बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन में. ऐसा नहीं होगा जहां पे जो है बेनिफिट एंड कॉस्ट बराबर है. तो इसके देखिए दो आंसर हो सकते हैं. पहला, कि अगर इन तीनों बिहेवियर का फंक्शन एक ही है जो कि बोला है फिनोटाइप्स, तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट फिनोटाइप है, डिफरेंट फिनोटाइप है, डिफरेंट फंक्शन रखेंगे. और अगर वो बॉडी की रिक्वायरमेंट का पार्ट है तो तीनों फिनोटाइप पी क्यू आर ये तीनों ही फिनोटाइप अडॉप्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि सबको अडॉप्ट करने में कॉस्ट कम पे करना पड़ा है, बेनिफिट ज्यादा है. लेकिन अगर इन तीनों का रिपीटेटेड फंक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ क्यू वाला बिहेवियर जो है सपोर्ट किया जाएगा. लेकिन क्योंकि इसको फिनोटाइप्स के बेसिस पे डाला गया है तो मुझे लग रहा है सबके फंक्शन अलग अलग है, एंड दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन फिलहाल के लिए एक्यूरेट ऑप्शन लग रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ऑल्दो आई फील लाइक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और क्लियरिटी भी जाती ना तो हम जो है सेकंड और थर्ड ऑप्शन के बीच में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकते थे, लेकिन क्योंकि 2011 का क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं. पर क्योंकि यहाँ पे फिनोटाइप के बेसिस पे बोला गया है तो अकॉर्डिंग टू मी थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही फिनोटाइप को ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि तीनों ही फिनोटाइप के फंक्शंस अलग अलग हैं, इनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, तो तीनों ही फिनोटाइप बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं कॉस्ट के कंपैरिजन में. अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफेंडिंग अ टेरिटरी इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव एंड एनिमल शुड इन्वेस्ट इन दिस ओनली इफ इट इज प्रॉफिटेबल. यानी टेरिटरी को बचाना जो है बहुत एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट वाला एक एरिया होता है, तो इसीलिए मतलब कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये पता होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि कितना प्रॉफिट उस टेरिटरी से मिल रहा है. एक सनबर्ड की स्पीसीज है जो कि डिपेंडेंट है ऑन प्लांट स्पीसीज दैट कंटेन अ नेक्टर रिच फ्लावर मेकिंग इट एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द सनबर्ड. मेल मे डिफेंड द टेरिटरी कंटेनिंग दीज प्लांट अगेंस्ट द अदर मेल व्हाइल अलाउिंग द फीमेल टू एसेस द फ्लावर. इन दिस वे दे कीप कॉम्पिटिशन आउट एंड गेट एक्सेस टू द फीमेल. द कॉलम बिलो पी टू एस रिप्रेजेंट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्स एंड देयर वेरिएंट. फ्रॉम गिवन ऑप्शन चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक डिफेंडिंग अ टेरिटरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर द मेल. अब बोला जा रहा है कि आप ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिससे कि टेरिटरी को डिफेंड करना प्रॉफिटेबल साबित हो सके. तो देखिए, यहाँ पे अबंडेंस ऑफ फ्लावर इन द हैबिटेट, तो हैबिटेट पे फ्लावर का अबंडेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, नो डाउट, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर इन द हैबिटेट, हैबिटेट में फ्लावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा वो कॉमन देखने को मिलता है वही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. दैट इज क्लम्ब इज कॉमन, क्लम्ब को हम पैची भी कहते हैं, तो हम पैची हमको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वो कॉमन अपीयरेंस है नेचर में,
राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्टर डिप्लीशन रेट ऑफ फ्लावर, नेक्टर का डिप्लीशन रेट जो है फ्लावर में से जल्दी जल्दी होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं इसको लो होना चाहिए तभी प्रॉफिटेबल होगा। और नेक्टर रिन्यूअल रेट, नेक्टर के रिन्यू होने का रेट क्या होना चाहिए, खत्म हो गया तो फिर से रिन्यू होने का रेट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हाई। ये सारे कंडीशन है जिसमें कि एक टेरिटरी को सेलेक्ट करके उसे प्रॉफिटेबल कंसीडर किया जा सकता है। तो ये हो गया पी का वन दो में है, क्यू का टू होगा, क्यू का टू खाली इसमें है, एंड आर का हमारे पास टू है, आर का टू भी सही है, एस का वन है, एनसी होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड। अगला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द एनिमल टेरिटरीज। पहला है आर ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स ही हमेशा इनहेरिटेड होता है ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी राइवल्स भी ले लेते हैं। नेक्स्ट, आर ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग विद नेबर, नहीं ओवरलैपिंग किसी किसी केस में देखा जा सकता है। एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन, बिल्कुल नहीं। आर ऑलवेज गार्डेड एंड डिफेंडेड, यस ये चीज है जो कि हमें हम श्योर कर सकते हैं कि हाँ टेरिटरी हमेशा गार्ड की जाती है और डिफेंड की जाती है। तो यस दिस इज टू, फोर्थ ऑप्शन इज टू। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस जो कि हमने लिए थे, मीटिंग सिस्टम, सेक्सुअल सिलेक्शन एंड टेरिटरी बिहेवियर से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिए होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस ऑप्शन को हम ऑप्ट कर रहे हैं और किस ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिसमें कि एनिमल बिहेवियर और मिक्स टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। पहला क्वेश्चन है जून 2023 का, बोला गया है मेल ऑफ अ स्पीसीज ऑफ अ ग्रासोपर दे प्रोड्यूस लाउड कॉल्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स। तो जो ग्रासोपर है वो क्या करते हैं, बहुत लाउड कॉल यानी कि आवाज आप कह सकते हो, स्पेशली वो कॉल्स या वो आवाज जिससे कि फीमेल को अट्रैक्ट किया जा सके, तो वो लाउड कॉल को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। मोस्ट एनर्जी ऑफ दीज कॉल्स लाई इन द स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, अदर फ्रीक्वेंसी हैव मच लेस एनर्जी। अब ये जिस तरीके से कॉल प्रोड्यूस करते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में होता है, यानी कि दूसरी स्पीसीज की जो फीमेल होगी वो अट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी कॉल में लग जाती है। दिस इज डिपिक्टेड इन अ पावर स्पेक्ट्रम प्लॉटेड विद द सॉलिड लाइन इन द फिगर। अभी जो सॉलिड लाइन है, ठीक है, ये मेल्स के लिए दी गई है जो कि कितना साउंड प्रेशर लेवल लग रहा है उनका, उसके लिए, ठीक है, कि क्या उनकी फ्रीक्वेंसी रह रही है। अगला देखिए, फीमेल फाइंड द मेल बाय लिसनिंग टू एंड रिकॉग्नाइजिंग द स्पीसीज स्पेसिफिक कॉल, और फीमेल भी क्या करती है स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में ही उस कॉल को सुनती है और रिकॉग्नाइज करती है। एंड दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू द स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, और ये काफी सेंसिटिव होती है स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी ये अपने ही स्पीसीज के मेल की फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव है। दिस इज डिपिक्टेड यूजिंग द हियरिंग थ्रेशोल्ड कर्व प्लॉटेड इन द डैश लाइन इन द फिगर बिलो, और ये जो कर्व है दैट इज डैश वाला, ये फीमेल के हियरिंग थ्रेशोल्ड के लिए दिया गया है। दिस अलाउ फीमेल टू फाइंड इवन द सॉफ्टेस्ट कॉलिंग मेल ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड इग्नोर इवन द लाउडेस्ट कॉलर ऑफ अदर स्पीसीज रिजल्टिंग इन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और ये जो कॉल की फ्रीक्वेंसी होती है ना, कॉल की फ्रीक्वेंसी से फीमेल दो टाइप से डिस्टिंग्विश कर सकती है मेल में। ये जो कॉल की फ्रीक्वेंसी है ये फीमेल को मदद करती है कि वो सबसे सॉफ्टेस्ट कॉलिंग मेल को रिकॉग्नाइज कर सके और जो लाउडेस्ट कॉलिंग मेल होते हैं उन्हें इग्नोर कर सके, डिपेंडिंग अपॉन द फीमेल प्रेफरेंस। अब बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर द हियरिंग थ्रेशोल्ड डैश लाइन ऑफ फीमेल गिवन द पावर स्पेक्ट्रम सॉलिड लाइन ऑफ मेल ऑफ द ग्रासहॉपर। अब आपको बताना है कि कौन से फिगर में सबसे करेक्ट ऑप्शन दिया गया है कि फीमेल का हियरिंग थ्रेशोल्ड और मेल का जो पावर स्पेक्ट्रम है उन दोनों के कॉम्बिनेशन को सबसे एक्यूरेट किस ग्राफ में प्लॉट किया गया है। अब देखिए, थ्रेशोल्ड की बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड एक ऐसी पॉइंट होती है जहां से जिस भी पैरामीटर को आप ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हियरिंग की बात की है तो हियरिंग सॉन्ग को कॉल को हियर करने की कॉल को सुनने का फैक्टर यहाँ कंसिडर किया गया है। और थ्रेशोल्ड जब भी हम कहते हैं तो ये एक ऐसी पॉइंट होती है जिससे कि कोई भी चीज शुरू होगी, राइट, कोई भी चीज को शुरू किया जाता है थ्रेशोल्ड से। तो आपको ऐसा ग्राफ पिक करना है। अब क्योंकि देखिए, पहला ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये अगर मेल का है तो मेल का जो साउंड प्रेशर है वो इतना जा रहा है, तो जब मेल का साउंड प्रेशर सबसे हाईएस्ट है तो उस टाइम से फीमेल क्या करेगी, अपने थ्रेशोल्ड से सुनना शुरू करेगी, राइट, हियरिंग थ्रेशोल्ड उसका उसी पॉइंट पे देखा जाएगा। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से चीजें शुरू होती हैं। तो देखिए, पहला ही ग्राफ हमको ऐसा मिल रहा है जहां से जो कि हमको थ्रेशोल्ड पॉइंट मिल रहा है जहां से फीमेल का जो हियरिंग थ्रेशोल्ड का ग्राफ है वो हमको दिख रहा है। तो इस बेसिस में चलते हैं तो हमको पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरे में देखिए, दूसरे में तो एकदम अलग अलग कर दिया गया है, तीसरा भी देखिए अलग अलग है, और ये फोर्थ में तो एकदम हाईएस्ट कर दिया गया जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा। इस बेसिस पे चलते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग। आपको बहुत सारा बिहेवियर मैंने पढ़ाया है जिसमें कि लर्निंग भी है, इननेट बिहेवियर भी है, लर्न बिहेवियर भी है, राइट, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लर्निंग बिहेवियर नहीं है। इम्प्रिंटिंग जो है ऑब्वियसली एक तरीके से लर्निंग है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिसमें कि हमने ग्राउस के एक्ट को देखा था कि अगर उसका एक्ट कहीं पे चला जाता है तो वो किस तरीके से उसको राउंड राउंड करके लाती है, इवन द फैक्ट इज कि अगर उसका एक्ट वापस से चला जाए तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है ये एक इननेट का पार्ट हो जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग अगेन लर्निंग, हैबिचुएशन अगेन लर्निंग, तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। Which of the following is responsible for the initiation of maternal behavior in the first time pregnant rat after parturition? तो देखिए, ऐसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है ना एनिमल बिहेवियर के जो कि हम मतलब जिसको ना केस स्टडी बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बोला है कि कौन सा मैटरनल बिहेवियर जो है हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम जो रैट प्रेग्नेंट हुई है आफ्टर दैट इज पर्टुरेशन। पहला है हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन द ब्लड, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर ड्यूरिंग द डिलीवरी, चेंजेस इन द यूटरिन वॉल्यूम एंड द प्रेजेंस ऑफ मेल रैट।
तो ऐसा जो हमको मतलब एक तरीके से इनिशिएशन ऑफ मैटरनल बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन द ब्लड। पहला ऑप्शन। अगला है फॉस्टर पप्स वेयर प्रेजेंटेड टू द क्रीमी पेरिस रैट एट द मिड जेस्टेशन पीरियड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर विल फाउंड इन द प्रेग्नेंट रैट। एक प्रेग्नेंट रैट है जिसको कि फॉस्टर पप्स यानी ऐसे पप जो कि उसके नहीं है, तो उस पप से जो है मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया और मतलब कि यहाँ पे प्रेग्नेंट रैट से। तो आपको बताना है कि उस फॉस्टर पप्स को देखकर रैट में क्या बिहेवियर देखने को मिल सकता है। पहला है रैट शो मैटरनल बिहेवियर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पप्स। यस, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि इनिशियली जब आप उस पप्स को लेकर आओगे तो उसके कुछ दिन बाद जब जो यहाँ पे प्रेग्नेंट रैट होगी वो उन सारे फॉस्टर पप्स के लिए जो है धीरे धीरे अपना मैटरनल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। द रैट अटैक एंड किल द पप्स टाइम पप्स टाइम दे आर प्रेजेंटेड, नो। द रैट रिजेक्ट द पप आफ्टर रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन, नो। द रैट शो फियर रिस्पॉन्स फॉर अ डे, नो। डिलीवरी ऑफ ऑफस्प्रिंग मदर शो द फॉलोइंग बिहेवियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट मैटरनल। मतलब कि रैट में क्या होता है जब वो अपने ऑफस्प्रिंग को डिलीवर करती है तो उसमें बहुत से बिहेवियर देखने को मिलते हैं डिलीवरी के बाद। बोला गया कि कौन सा ऐसा बिहेवियर यहाँ पे मैटरनल नहीं है। पहला, पप्स को अपने लिक करना। ये तो बहुत से एनिमल में आप देखते हैं कि जो मदर होती है वो अपने पप्स को या अपने किड को जो है मतलब कि लिक करती है, चाटती रहती है और उनके फर को ठीक करती रहती है, क्लीन करती है, तो ये तो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हैंडलिंग अबाउट द पप्स टू एक्सेस द वेंट्रम, बिल्कुल स्पेशली मिल्क एक्सेस करने के लिए होता है। नेक्स्ट, लोरोसिस ऑफ मदर रैट, ये देखने को नहीं मिलता है। राइट, ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा स्टेज रहता है जिसमें कि मदर अदर मेल्स के साथ जो है तरीके से रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगती है, तो ये केस हमको देखने को नहीं मिलेगा। ब्रिंगिंग बैक टू द नेस्ट पप दैट वंडर अवे फ्रॉम इट, ये तो नॉर्मल बहुत से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है कि अगर कोई पप जो है बाहर चला गया है उनके एरिया से या नेस्ट से तो उसको टांग के वापस लेकर चली जाती है। राइट, तो ये थर्ड केस ऐसा है जो कि देखने को नहीं मिलता है। सो लोरोसिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन दैट कॉजेज मेनी नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स टू अडॉप्ट अ बॉडी पोजीशन दैट इज ऑफन क्रूशियल टू रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअली रिसेप्टिव बिहेवियर इन द फीमेल रोबोट। अगला है इंडिविजुअल ए परफॉर्म टू अनदर इंडिविजुअल ए बिहेवियर एक्ट दैट हैज अ फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस, मैच द बिहेवियर एक्ट ए टू ई विद द करेक्ट फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे बिहेवियर एक्ट दिया गया है, यहाँ पे फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस दिया गया है, आपको करेक्ट मैच करना है। कॉपरेशन की बात करते हैं तो कॉपरेशन क्या हो सकता है, गेन डायरेक्ट फिटनेस बट आफ्टर डिले, इंक्लूसिव फिटनेस, गेन इन डायरेक्ट फिटनेस, गेन डायरेक्ट फिटनेस बट इमीडिएटली। कॉपरेशन में क्या होता है, आपको डायरेक्ट फिटनेस मिलता है वो भी इमीडिएटली मिलता है, तो ए का हो गया फोर। नेक्स्ट देखिए बी, बी है एडप्टिव ऑल्टरिज्म, देख लेते हैं एडप्टिव ऑल्टरिज्म में क्या होगा। यस, इनडायरेक्ट फिटनेस पे फोकस किया जाता है ज्यादातर, तो बी हो गया क्या, दैट इज फोर। सी है स्पाइट, तो स्पाइट के लिए क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, लूजेस इंक्लूसिव फिटनेस, यस, बिकॉज ये नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन होता है, तो सी का हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट, डिसीट एंड मैनिपुलेशन, डिसीट एंड मैनिपुलेशन में भी क्या हो सकता है, इंक्लूसिव फिटनेस ही लूज होती है, तो डिसीट एंड मैनिपुलेशन मतलब कि धोखा देना एक तरीके से, तो डी का हो गया सेकंड। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, रेसिप्रोसिटी में भाई डायरेक्ट फिटनेस गेन तो होता है लेकिन जो रिवॉर्ड होता है क्या होता है, वो एक तरीके से डिले होके मिलता है कि भाई आज मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी मेरी जरूरत पड़ने पे तुम भी मदद करना जब भी जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट फिटनेस तो गेन होता है लेकिन थोड़ा डिलेड बेसिस में, थोड़ा वक्त लेकिन आफ्टरवर्ड्स जो है रिवॉर्ड दिखा जाता है, तो यहाँ पर हमारा ई का हो गया दैट इज फर्स्ट। इस बेसिस पे चलते हैं तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसरी एबिलिटी दैट एलिफेंट पोजेस, आपको बताना है एलिफेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसरी एबिलिटी कौन सी होती है। पहला है एमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, नो। एमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड, एक्जैक्टली। डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। पोजीशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट विजन, नहीं। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है अगेन एनिमल बिहेवियर से, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। होमिंग पिजन व्हेन रिलीज एट अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर होम use earth magnetic field and sun as a navigational cues and choose the right direction to fly. तो ये question एक तरीके से navigation से लिया गया है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, जो pigeon होते हैं, ठीक है, जो pigeon है वो directional cues के लिए magnetic field को और sun का इस्तेमाल कर रहे हैं as a navigational cue, यानी कि रास्ता खोजने के लिए कि हाँ भाई हमें वापस घर भी लौटना है, तो उसके लिए जो है ये pigeon earth की magnetic field का इस्तेमाल कर रहे हैं और sun का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सूरज कहाँ है उसको देखकर ये घर लौट जाते हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस टू एक्सपेरिमेंट वेर कंडक्टेड, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई इसी का इस्तेमाल करके जो है ये पिजन अपने घर समय पे पहुंच जाते हैं, तो इस हाइपोथेसिस को एक तरीके से टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इन एक्सपेरिमेंट वन कंडक्ट किया गया, क्या किया गया इसमें देखिए, वन ग्रुप ऑफ पिजन कॉल्ड द टेस्ट ग्रुप लिया गया। टेस्ट ग्रुप में क्या किया गया, वेर इक्विप्ड विद द हेलमन्स कॉइल, टेस्ट में जो है हेलमन्स कॉइल को इक्विप कर दिया गया। हेलमन्स कॉइल क्या करता है, ये डिस्टर्ब कर देता है मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन को, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि पिजन जो है एक्सपेरिमेंट वन में जो टेस्ट मतलब जो टेस्ट ग्रुप है उस टेस्ट ग्रुप में जो पिजन होंगे जहां पे हेलमन्स कॉइल को इक्विप किया गया है, तो वो पिजन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और एक और ग्रुप रखा गया जिसको नाम दिया गया कंट्रोल, कंट्रोल में जो है कोई भी हेलमन्स कॉइल नहीं था, ठीक है। अब लेकिन इसमें हेलमन्स टेस्ट में अब क्या किया गया, बोथ ग्रुप वे रिलीज ऑन सनी डे,
अब इन दोनों को जो है ये कंट्रोल वाला क्या था, नॉर्मल, कोई भी वहां पे हेलमेट स्क्वायर इक्विप नहीं किया गया, और दोनों को क्या किया गया, दोनों को सनी डे में आसमान में छोड़ दिया था। तो देखिए, तो टेस्ट वाला क्या करेगा, टेस्ट वाला क्या आप सही डायरेक्शन में फ्लू करेगा, क्या वो राइट डायरेक्शन में उड़ के अपने घर पहुंच जाएगा? तो देखिए, टेस्ट वाला सैंपल जो है इसमें लाइक हेलमेट स्क्वायर के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन वाली कैपेबिलिटी बंद हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सनी डे में उसको रिलीज किया गया है तो वो सूरज का इस्तेमाल करके घर पहुंच जाएगा, राइट। तो यानी कि ये जो है राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन भी ठीक है और ये सन का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस केस में तो हमने देखा कि सन का इस्तेमाल करके टेस्ट सैंपल जो है सन का इस्तेमाल करके घर पहुंचेंगे, लेकिन कंट्रोल वाले क्या है, कंट्रोल वाले मैग्नेटिक फील्ड एंड सन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके राइट डायरेक्शन में फ्लू करके घर पहुंच जाएंगे। यानी कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट वन के दोनों ही पिजन राइट डायरेक्शन में उड़ेंगे और घर पहुंच जाएंगे। अब देखिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट टू भी किया गया, यूज्ड द सेम कंट्रोल एंड टेस्ट पिजन। तो इसमें भी क्या किया गया, टेस्ट एंड कंट्रोल सेम ही लिया गया जैसे कि एक्सपेरिमेंट वन में था। तो टेस्ट में क्या किया गया, हेलमेट कॉइल इक्विप कर दिया गया है, राइट, और क्या बोला गया, बट दे वर रिलीज्ड इन क्लाउडी ओवरकास्ट, लेकिन दोनों को रिलीज किया गया है क्लाउडी डे में, यानी कि सूरज नहीं है। तो इन दैट केस क्या होगा कि कंट्रोल वाला तो घर पहुंच जाएगा, लेकिन कंट्रोल वाला किसका इस्तेमाल करके घर पहुंचेगा, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके, क्योंकि सूरज है नहीं, क्लाउडी डे है, बादल छाया हुआ है आसमान में, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके कंट्रोल वाला राइट डायरेक्शन में उड़ेगा और घर पहुंच जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट टेस्ट सैंपल, टेस्ट वाला क्या करेगा, टेस्ट वाला तो भाई उसके पास तो अपना मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन का कैपेबिलिटी है और ना ही आसमान में अभी सूरज है, तो क्या होगा, दैट इज ये जो है डायरेक्शन नहीं खोज पाएगा और ये राइट डायरेक्शन में फ्लू नहीं करेगा और अपने घर नहीं पहुंचेगा, इसमें रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको आंसर पिक करना है, बोला है इन एक्सपेरिमेंट वन बोथ कंट्रोल एंड टेस्ट ग्रुप फ्लाई इन राइट डायरेक्शन, यस बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट वन में टेस्ट और कंट्रोल दोनों सही डायरेक्शन में उड़ेंगे, बट इन एक्सपेरिमेंट टू ओनली कंट्रोल ग्रुप डज, यस बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बोला है दोनों ही ग्रुप में टेस्ट ग्रुप फेल हो जाएंगे राइट डायरेक्शन चूज करने में, गलत है, एक्सपेरिमेंट वन में तो इजीली पहुंच पा रहा है वो अपने घर। इन एक्सपेरिमेंट वन एंड टू टेस्ट ग्रुप फ्लाई इन राइट डायरेक्शन, एक्सपेरिमेंट टू में टेस्ट ग्रुप राइट डायरेक्शन में फ्लो नहीं किया है। इन एक्सपेरिमेंट वन बोथ ग्रुप फ्लाई इन द राइट डायरेक्शन, यस, बट इन एक्सपेरिमेंट टू बोथ ग्रुप फेल टू चूज द राइट डायरेक्शन, ये भी गलत है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट टू में कंट्रोल तो राइट डायरेक्शन पिक कर पा रहा है, टेस्ट नहीं पिक कर पा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज फर्स्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं काफी बढ़िया सा क्वेश्चन था, राइट। अगला है, द वेस्टर्न हनी बी एपिस मेलिफेरा दे कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, द फॉलोइंग आर फ्यू हाइपोथेसिस प्रपोज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर इन ए मेलिफेरा, ठीक है। तो यहाँ पे एपिस मेलिफेरा के बिहेवियर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट किए गए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट हाइपोथेसिस बेस्ट एक्सप्लेन द बीज फीडिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट पढ़ा था, राइट, तो उसके बारे में ही यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट हाइपोथेसिस बेस्ट एक्सप्लेन द फीडिंग बिहेवियर, आपको अल्टीमेट हाइपोथेसिस यहाँ पे पिक करना है। पहला है, क्वेश्चन क्या था कि हनी बी जो है ये नेक्टर एंड पॉलन को फ्लावर से कलेक्ट करती है। तो पहला ऑप्शन है, इन द पास्ट दोज इंडिविजुअल दैट फेड ऑन द नेक्टर एंड पॉलन दे लेफ्ट मोर डिसेंडेंट देन दोज हु प्रेफर्ड ओनली नेक्टर और पॉलन। यानी कि पास्ट में ऐसे इंडिविजुअल जो कि नेक्टर एंड पॉलन पे फीड करते थे तो उनके डिसेंडेंट्स ज्यादा देखे गए कंपेयर टू वो इंडिविजुअल जो कि खाली नेक्टर या खाली पॉलन पे फीड करते थे। तो यस, ये एक अल्टीमेट कॉज हो सकता है, ट्रू। अगला है, द सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द टेस्ट रिसेप्टर इन द हनी बी लीड टू द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू लुक फॉर मोर देन मोर ऑफ द सेम फूड। अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये अल्टीमेट कॉज नहीं है। द हनी बी नर्वस सिस्टम इज प्री डिस्पोज टू लाइक द स्वीट टेस्ट, अगेन ये भी जो है अल्टीमेट हाइपोथेसिस नहीं है, अल्टीमेट कॉज नहीं है। उसी सेम टेस्ट का परसेप्शन उनके पास था, उसी को फुलफिल करने के लिए आज के टाइम में वो नेक्टर एंड पॉलन पे फीड करते हैं। तो देखा जाए तो ए एंड डी यहाँ पे सही हो जाता है, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही। अगला सवाल है, ये थोड़ा सा मतलब हटके सवाल है, ठीक है। A 20-week-old infant was exposed to following stimuli and responses were measured. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से stimulus दिया गया है, उसको कितने response जो है mean number of responses elicited, यानी कि उसको पहचानने के लिए कितने number of यहाँ पे response देखने को मिले, जैसे कि पहले वाले का 100, दूसरे वाले का 15, तीसरे वाले का 25 और लास्ट वाले का 10. Select the correct theory that best describes the observed responses. Option में आप देख सकते हैं यहाँ पे, that is heterogeneous summation हो गया, G-STAT principle हो गया, सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हो गया एंड साइन स्टिमुलस हो गया। तो अगर इसको देखा जाए तो ये काफी हद तक जो है मतलब पॉसिबिलिटी रखता है जी स्टेट प्रिंसिपल के लिए। अभी जी स्टेट प्रिंसिपल क्या है, देखिए, इट वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन साइकोलॉजिस्ट द जी स्टेट प्रिंसिपल आल्सो नोन एज द जी स्टेट लॉ ऑफ परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड हाउ वी इंटरप्रेट द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड अराउंड अस।
they explain why a series of flashing light appeared to be moving for an instance. So it is a principle or law of human perception that describes how human group similar element recognize pattern and simplify complex image when we perceive objects. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ये प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से एक, आप कह सकते हो कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट को एक जगह पे ग्रुप करके रख सकता है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारा बॉल दिया अलग अलग कलर का, मैंने बोला इसको ग्रुप करो, तो मैक्सिमम टाइम में भी शायद आपका पहला ऑप्शन ये होगा कि आप एक जैसे कलर के बॉल को एक जगह रखोगे, यानी आप सिमिलर ग्रुप सिमिलर चीजों को जो है एक साथ एक ग्रुप में डाल के रखोगे. और उसके अलावा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना ये भी इसी प्रिंसिपल का पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स इमेज को सिंप्लीफाई करके जो है समझना. तो ये सब बिहेवियर जो है वो जी स्टेट प्रिंसिपल के अंडर में चला आता है. इसके अलावा इसके और छह प्रिंसिपल देखे जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन है द मैकेनिज्म बाय विच एंट फाइंड देयर वे बैक टू द नेस्ट आफ्टर सर्चिंग एंड फाइंडिंग द फूड, यानी कि कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एंट जो है ऑप्शंस आर माइग्रेशन, नो टोपोग्राफिकल मैपिंग भी नहीं, पायलटिंग भी नहीं, पाथ इंटीग्रेशन. ठीक है, पाथ इंटीग्रेशन इज अ मेथड या मैकेनिज्म जिसके थ्रू एंट जो है अपना खाना वगैरह खोज के वापस से अपने नेस्ट में जा पाती है. अगला है गिवन बिलो एग्जांपल ऑफ एनिमल एंड देयर बिहेवियर, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. बोला है एलिफेंट में इननेट एंड लर्न्ड बिहेवियर दोनों होते हैं, यस. एंट में सिर्फ इननेट बिहेवियर होता है, नहीं, इसमें लर्न्ड बिहेवियर भी देखा जा सकता है, गलत हो गया ये. वेल में लर्न्ड बिहेवियर होता है, नहीं भाई, खाली लर्न्ड बिहेवियर नहीं होता है, इननेट भी होते हैं. बीज में इननेट एंड लर्न्ड बिहेवियर दोनों होता है, यस. तो अगर देखा जाए तो पहला वाला होगा ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी ट्रू, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल रिदम इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में बायोलॉजिकल रिदम से रिलेटेड यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, आपको बताना है. रेम एंड नॉन रेम स्लीप साइकिल, हमने देखा था कि ये अल्ट्रेडियन साइकिल का पार्ट है. मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये था इंफ्रेडियन साइकिल का पार्ट. एंड स्लीप वेक साइकिल, दैट इज साइकेडियन रिदम का पार्ट था. तो अब आप पिक कर लीजिए ऑप्शन, पहला अल्ट्रेडियन, दूसरा इंफ्रेडियन एंड थर्ड इज साइकेडियन साइकिल, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है इन साइकेडियन रिदम स्टडी फॉलोइंग में बी पॉसिबल जनरलाइजेशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट एंटरटेनमेंट टू द डे एंड नाइट साइकिल, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है शॉर्टर एक्सपोजर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द लॉन्गर एक्सपोजर, नहीं, लॉन्गर एक्सपोजर का ग्रेट इफेक्ट, बड़ा इफेक्ट होता है. ए गलत हो गया, ए गलत, तो फिर ये गलत और ये गलत. देखिए बी दोनों में कॉमन है, यानी बी और हाल में सही होगा. बी है ब्राइट लाइट एक्सपोजर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द डिम लाइट, बिल्कुल सही, ट्रू. अगला है इंटरमिटेंट लाइट एक्सपोजर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द कंसिस्टेंट एक्सपोजर, नहीं, कंसिस्टेंट एक्सपोजर का ज्यादा इफेक्ट होता है कंपेयर टू द इंटरमिटेंट लाइट एक्सपोजर. लास्ट है डिम लाइट कैन अफेक्ट एंटरटेनमेंट रिलेटेड टू द डार्कनेस, बिल्कुल सही. तो बी और डी सही हो जाते हैं, दैट इज सेकंड ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है द कॉमन कुकू अ पैरासिटिक बर्ड ले एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड स्पीसीज, ठीक है. तो जो कुकू होती है वो क्या करती है, वो अपना एग जो है किसी और बर्ड के नेस्ट में लेकर देती है. सून आफ्टर कुकू एग हैचेस द चिक शोज द नेस्ट ओनर्स एग आउट ऑफ द नेस्ट, और जैसे ही उस एग से कुकू एग जब हैच करता है तो वहां पे जो मतलब पहले से जो बर्ड वहां रहती है वो उसके एग को क्या करता है, गिरा देता है. तो बोला गया है कि ये किस चीज का एग्जांपल है, ये हैबिचुएशन है, नहीं, ये इम्प्रिंटिंग भी नहीं है भाई, इसने लर्न नहीं किया, वहां पर पैदा हुआ है, राइट, इसने लर्न नहीं किया है, ये इननेट बिहेवियर का पार्ट है, बिल्कुल ऑपरेंट कंडीशन है, ये लर्न बिहेवियर नहीं होती है, लर्न बिहेवियर उसको किसने सिखाया है, वो एग से बाहर निकलते ही वो ऐसा कर रहा है, तो उसे तो किसी ने अभी तक सिखाया नहीं है, राइट, ये सारे लर्न बिहेवियर को एक ही क्लॉथ है, दैट इज इननेट बिहेवियर, इट इज अ पार्ट ऑफ इननेट बिहेवियर. Are expected in a rat when its nucleus accumbens is experimentally ablated. When experimentally remove कर दिया जाए nucleus accumbens को तो क्या होगा? Obviously इसमें क्या हो जाएगा? Rat में aggressive behavior increase कर जाएगा because ये उसे control करता है. Okay. अगला सवाल again काफी बढ़िया सा है. Number of trials required for the rat to learn a task when they are exposed to various condition were as follows. आपको बताना है most appropriate option. तो बोला गया है कि experimental condition क्या है? कि light and dark को 12-12 घंटे के लिए दिया गया तो उस चीज को learn करने में it will be rats. Okay. तो रैट ने जो है एन नंबर ऑफ ट्रायल्स लगाया, जब रात को 12 घंटे का दिन यानी 12 घंटे की लाइट और 12 घंटे का डार्क दिया गया तो उस रैट ने एन नंबर ऑफ ट्रायल्स लगाया, ठीक है, ओके. जब उसको 24 घंटे के लिए ब्राइट लाइट दी गई तो उसको एन से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल लगे, यानी मान लीजिए लेट्स कंसीडर अगर एन यहाँ पे 10 था तो उसको 10 से ज्यादा यहाँ पे ट्रायल लगे. जब लगातार उसको ब्राइट लाइट दी गई 24 घंटे के लिए और लगातार उसको फिजिकली भी डिस्टर्ब किया गया तो उसको 10 से ज्यादा एन से ज्यादा ट्रायल सीखने में. अगला देखिए डार्क लाइट दिया गया 24 घंटे के लिए और कंटिन्यूस फिजिकली डिस्टर्ब किया गया तो अगेन उसको मोर देन एन ट्रायल्स लगे. ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब लाइट और डार्क 12-12 घंटे का दिया गया तो उसको एन नंबर ऑफ ट्रायल लगे उस काम को सीखने में जो उसको सिखाया जा रहा था, एक टास्क को लर्न करने के लिए, ठीक है. तो उस टास्क को लर्न करने में उसको एन ट्रायल लगे. लेकिन बाकी सब जगह जब 24 घंटे की लाइट दे दी गई मतलब उसको सोने नहीं दिया गया, अगेन 24 घंटे की लाइट देकर फिजिकली डिस्टर्ब कर दिया गया, अगेन सोने नहीं दिया गया. देन डार्क लाइट दे दी गई 24 घंटे के लेकिन उसको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं फिर भी अगेन सोने नहीं दिया गया. तो तीनों ही केस में देयर वाज अ लैक ऑफ स्लीप जिसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है एन के अलावा और बढ़ गए. यानी अगर मान लीजिए 10 बार में इसने कोई चीज सीखी तो यहाँ उसको 10 से ज्यादा टाइम लगा, 10 बार से ज्यादा ट्रायल लगा उसको सीखने में. आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे दैट इज ऑप्शन क्या होगा. कंटिन्यूस लाइट इनहेंस द लर्निंग, अगर ऐसा होता है तो 24-24 घंटे में जो है हमको लेस देन एन ट्रायल्स मिलते.
कंटिन्यूस डार्कनेस इनहिबिट द लर्निंग, कंटिन्यूस डार्कनेस जो है लर्निंग को इनहिबिट करती है या नहीं, अगर लर्निंग को इनहिबिट करती तो ये मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स ये एन से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स ले रहा है लेकिन ये सीख रहा है, लर्न कर रहा है, लर्निंग रुक नहीं रही है। फिजिकल एक्टिविटी इनहिबिटेड द लर्निंग, देखिए कहीं भी लर्निंग इनहिबिट नहीं हुई है, स्लो हो गई है। लास्ट लर्निंग वॉज रिड्यूस बाय स्लीप, एक्जैक्टली लर्निंग जो है कम हो गई है ड्यू टू द स्लीप लॉस, एक्जैक्टली। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। अज्यूम अ मेल स्पैरो इज हैच, दैट इज स्पीशीज एक्स का मेल स्पैरो जो है एक्स से बाहर निकला एंड रियर्ड इन आइसोलेशन, बड़ा किया गया आइसोलेशन में और उसको अलाउ किया गया अ क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड टू हियर द सॉन्ग ऑफ मेल ऑफ अनदर स्पैरो वाइफ, और उस मेल स्पैरो ने जो एक्स से हैच करके निकला उसने अपने क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड में यानी फेस सेंसिटिव लर्निंग फेज में जो है उसने स्पैरो वाइफ के सॉन्ग को सुना। नाउ आफ्टर द आइसोलेशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर विल स्पीशीज एक्स शो, यानी आइसोलेशन के बाद वो कैसा बिहेवियर शो करेगा। इट विल सिंग द सॉन्ग ऑफ वाई दैट इट हैड हर्ड इन द क्रिटिकल पीरियड, बिल्कुल क्रिटिकल पीरियड में भाई जो भी चीजें ऑर्गेनिज्म देखता है वो उसे सीखता है, तो क्रिटिकल पीरियड में हमने इसको किसी और स्पीसीज का सॉन्ग सुनाया तो वो उस स्पीसीज के सॉन्ग को सीख लेगा अपने क्रिटिकल पीरियड में। बाकी तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये इम्प्रिंटिंग का क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ओके अगला क्वेश्चन है, इन द टेबल बिलो कॉलम वन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कॉलम टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मूवमेंट, आपको पिक करना है करेक्ट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन। बोला है सिल्क मॉथ फ्लाई एट एन एंगल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड टू पिक अप अ सेंट ट्रेल, अभी किसके साथ है? अब देखा जाए तो ये एक टाइप का टेक्सिस है, राइट, और यहाँ पे सारा का सारा ही टेक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यस ये हो जाएगा हमारा क्या, दैट इज मीनो टेक्सिस का एग्जाम्पल। तो ए का हो गया, दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया बोरो डाउन इन टू द मड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन रिस्पॉन्स टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीटो टेक्सिस, मैच हो गया, बी का हो गया थ्री। नेक्स्ट है, गर्ल टीचर्स हर स्कूल यूजिंग अ फार्मेसी एंड बुक शॉप एज अ लैंडमार्क, देखिए लैंडमार्क का इस्तेमाल हो रहा है, लैंडमार्क के इस्तेमाल को क्या बोलते हैं, दैट इज नीमो टेक्सिस। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है, एरिया मूव टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ फूड बाय कंपेयरिंग द ग्रेडियंट ऑफ स्टिमुलस अराउंड इट, यानी स्टिमुलस के ग्रेडियंट को कंपेयर किया जाए, जिससे हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लीनो टेक्सिस, सेकंड, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो गया दैट इज फर्स्ट। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ओके चलिए, इस क्वेश्चन का तो यहीं पे आंसर दिया हुआ है। एनीवेज, बोला गया सर्टेन एनिमल्स स्पीशीज यूज इन्फ्रारेड सिग्नल फॉर एकॉस्टिक सिग्नलिंग, ठीक है, एकॉस्टिक सिग्नलिंग के बारे में आपको बताया गया है। तो बहुत से एनिमल स्पीशीज होती हैं जो कि इंफ्रा साउंड, दैट इज इंफ्रा साउंड को जो है एज एकॉस्टिक सिग्नलिंग इस्तेमाल करती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो, आपको पिक करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बोला गया है इंफ्रा साउंड प्रोपोगेट सिग्नल प्रोपोगेट ओवर सेवरल किलोमीटर इन डेजर्ट, यस। तो देखा जाए तो इंफ्रा साउंड जो है वो डेजर्ट एज वेल एज ओपन ओशन में काफी किलोमीटर तक जो है इजिली ट्रेवल कर सकता है, राइट। तो अगर ए और बी के साथ जाते हैं तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे, इंफ्रा साउंड इज एम्प्लॉयड ओनली बाय द मैमल्स फॉर द ऑर्केस्टिक, नहीं खाली मैमल्स में थोड़ी होगा। इंफ्रा साउंड सिग्नलिंग ट्रांसमिशन इज प्रोन टू द स्कैटरिंग एंड अटेन्यूएशन, तो इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी एक क्लास में करवाया जा चुका है जिसमें मैच द फॉलोइंग था, ये भी एनिमल बिहेवियर का पार्ट था लेकिन इसमें एनिमल बिहेवियर एंड मीटिंग बिहेवियर दोनों इन्वॉल्व है, तो मीटिंग बिहेवियर भी एनिमल बिहेवियर का ही पार्ट चलाता है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसमें और अलग से नहीं कर पा रहे। Given that the Asian quail is a blue parasite, which one of the following statement is true for this species? कौन से यहाँ पे statement जो है true होगा इस species के लिए? पहला है, the brood of bird is usually infested with the parasitic wasp. The young one learn the call of their foster parents. The bird feed parasitic wasp to its brood, and the call of species is innate, not the learned. तो अगर देखा जाए तो quail के लिए कौन सा true होगा? That is, इस species का जो call होता है वो innate होता है ना कि learned. तो we can go with fourth. अगला है, इन कॉपरेटिवली ब्रीडिंग स्पीसीज अंडर विच कंडीशन इज अ हेल्पर मोर लाइकली टू एग्जिबिट फिलोपैट्री। फिलोपैट्री में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म जो है अब जो उसका बर्थ प्लेस होता है वो वहीं पे एक तरीके से वापस से रिटर्न हो जाता है, वापस चलाता है। तो ऐसा कौन से केसेस में जो है बोला गया, इन कॉपरेटिवली ब्रीडिंग स्पीसीज अंडर विच कंडीशन इज हेल्पर मोर लाइकली टू एग्जिबिट फिलोपैट्री। हेल्पर जो है कौन से कंडीशन में फिलोपैट्री शो करेगा? पहला, इफ अ एडल्ट सर्वाइवरशिप इज हायर फॉर द ग्रुप मेंबर देन फॉर द सॉलिटरी इंडिविजुअल, यस। अगर एक एडल्ट की सर्वाइवरशिप जो है उसके ग्रुप मेंबर के लिए हायर है कंपेयर टू द सॉलिटरी इंडिविजुअल, तो इस केस में वो वापस लौट सकते हैं। रिसोर्सेस अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में नहीं होगा। व्हेन द चांस ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरी इज हाई नो, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग मेट इज हायर आउटसाइड द ग्रुप नो, तो लौटेगा ही नहीं। पहला ऑप्शन यहां सही हो जाता है। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू द साइकेडियन रिदम सिटिंग, ठीक है, कौन सा साइकेडियन रिदम के लिए एप्लीकेबल नहीं है? पहला, अ प्रोसेस दैट कैन बी फाउंड इन बैक्टीरिया प्लांट फंजाई एनिमल, यस सब में मिलता है। नेक्स्ट, अ प्रोसेस दैट इज रिदमिक ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ 24 आवर्स ऑफ लाइट एंड डार्क साइकिल, ठीक है। अगला है, नहीं 24 आवर्स के लिए हम लोग पूरी की पूरी साइकिल कंसिडर करते हैं।
अगला है प्रोसेस दैट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड बाय द एनवायरमेंटल साइकिल, यस। अ प्रोसेस दैट कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ कॉन्स्टेंट डार्कनेस, यस। तो इस हिसाब से देखते हैं तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन फॉर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ जीन दैट कंट्रोल द आई डेवलपमेंट इन आईलेस केव फिशेस। तो बोला गया है कि केव फिशेस जो है ब्लाइंड होती है तो उनके आईलेस होने के पीछे जो है कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि लगातार मतलब कि उनकी आंखों का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रही हैं, उसके बावजूद भी जो जीन्स हैं वो जीन्स क्यों परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो आई के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं वो जीन अभी भी क्यों उनमें पाए जा रहे हैं, जब ये इस्तेमाल नहीं करिए तो उनको हट जाना चाहिए, उसके पीछे क्या बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसके पीछे। पहला, दे हैव इनहेरिटेड दीज जीन्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर एंड दिस रिमेन इवन थ्रू दे दो दे नो लॉन्गर हैव आईज। बोला जा रहा है कि ये जीन्स उन्होंने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट किया है और ये अभी भी उनमें है इसके बावजूद कि वो उसका मतलब कि इस्तेमाल नहीं कर रही है, क्योंकि मतलब कि वो एक तरीके से आईलेस होती है, आंखें नहीं है उनके पास, उसके बावजूद भी क्योंकि उनको वो जीन एंसेस्टर से मिला इससे उन्होंने उस जीन को रखा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बिल्कुल। अगला देखिए, इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी दैट दे रिटर्न टू द सर्फेस एनवायरमेंट रिटेंशन ऑफ विजन वुड बी एडवांटेजियस सो इवोल्यूशन रिटेन्स देयर ट्रेड। यानी कि हो सकता है कि उनको जमीन पे वापस जाने का मौका मिल जाए और उनको विजन का इस्तेमाल करना पड़े, उस केस में वो वापस से एक तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई मतलब कि आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी में नहीं आता है कि हो सकता है वाली चीज तो यहाँ नहीं हो सकती ना, पॉसिबिलिटी के केसेस में तो नहीं हो सकती कि अभी वो केव में रह रही, हो सकता है कल को उनको बाहर रहने का मौका मिल जाए। अगला देखिए, इवोल्यूशन कैन ओनली लीड टू द गेन ऑफ ट्रेड नॉट द लॉस ऑफ अ ट्रेड। क्यों भाई, लॉस गेन दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट। तो ये गलत हो गया। दीज जीन्स आर रिटेन्ड बिकॉज कंबाइंड रोल ऑफ दीज जीन्स विद द अदर सेंसरी मैकेनिज्म। ये जीन्स आज भी, यानी आई बनाने वाली जीन्स आज भी उनकी बॉडी में इसलिए मिलती है क्योंकि शायद ये जीन बाकी अदर सेंसरी जो मैकेनिज्म है फिश में, सॉरी के फिश में, उसको शायद मतलब उससे रिलेटेड है ये जीन्स, इसीलिए ये अभी भी मेंटेन है। तो देखिए, ये एक सेंसिबल बात बोली है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस बेसिस पे चलते हैं। तो ए और डी जो है हमको पॉसिबल लग रहा है आंसर, सो वी कैन गो विद थॉट। अगला है, फॉलोइंग टेबल शोज अ लिस्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड देयर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक। तो बोला है पैरेललिज्म, यानी जो पैरेलल इवोल्यूशन था उसकी बात की गई है। तो पैरेलल इवोल्यूशन हमने देखा था क्लोजली रिलेटेड ग्रुप में होता है जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व हो जाता है। तो ए का हमको फर्स्ट लग रहा है, ए का फर्स्ट देखिए सिर्फ एक ही में है। कन्वर्जेंस में हमने देखा था कि डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म या फिर आप कह सकते हो जिनमें कोई कॉमन सिस्टम नहीं होता उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर हो जाती है। तो बी का हो गया फोर। सी है इंट्रोग्रेशन। इंट्रोग्रेशन में क्या होता है, इट इज अ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द स्पीसीज इज मीडिएटेड बाय द रिपीटेड बैक क्रॉसिंग। तो सी का हो गया क्या, और एंड डी हो जाएगा दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज क्रॉस ब्रीडिंग। अगला है, रिसर्चर एग्जामिन द फीचर ऑफ न्यूली हैच बर्ड स्पीसीज ए शो ओपन आईज डाउन फेदर्स मूव्ड अराउंड एंड बी लैग डाउन फेदर्स एंड वाज इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग एंड इट्स आई वेरी क्लोज्ड। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, ए का केस क्या है, एक स्पीसीज के जो ऑस्प्रिंग है उनकी आंखें ओपन रहती हैं, उनके डाउन फेदर्स रहते हैं और वो इजिली जो है मूव कर सकती है, ठीक है। और स्पीसीज बी का केस क्या है कि इनके जो ऑस्प्रिंग पैदा होते हैं उनमें डाउन फेदर्स नहीं होते हैं और वो इनकैपेबल होते हैं वर्क करने में और उनकी आईज भी क्लोज होती है। तो आप देखिए जरा इन दोनों ग्रुप में से क्यों और कौन से ग्रुप को पैरेंटल केयर की जरूरत है। ऑब्वियसली पैरेंटल केयर की जरूरत किसको है, दैट इज बी स्पीसीज को है। बी को जो है पैरेंटल केयर की जरूरत है क्योंकि उसकी ऑफस्प्रिंग ना चल पाएंगे, आंखें उनकी क्लोज रहती है, कुछ दिन बाद आंखें खुलती है, राइट। तो ऐसे केस में उनको पैरेंटल केयर की जरूरत पड़ेगी। अब पैरेंटल केयर कौन सी स्पीसीज में होता है, के सिलेक्टेड स्पीसीज में देखा जाता है। और के सिलेक्टेड स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज आर्टिशियल कहते हैं, यहां कहते हैं कि के सिलेक्टेड स्पीसीज आर्टिशियलिटी को शो करते हैं। और उसका उल्टा हो गया, दैट इज आर सिलेक्टेड जिसमें पैरेंटल केयर की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि हम प्रीकोशियल या प्रीकोशियलिटी कहते हैं। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन कि स्पीसीज ए जो है प्रीकोशियल है जबकि स्पीसीज बी आर्टिशियल है। इसको आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि प्रीकोशियल एंड आर्टिशियल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, पिक द स्टेटमेंट दैट इंक्लूड बोथ प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अ गिवन बिहेवियर। आपको प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन पिक करना है। पहला है एलिवेटेड हार्ट बीट एंड हाईर लेवल ऑफ स्ट्रेस वैल्यू, नो। सेंट मार्किंग अलोंग विद द बाउंड्री ऑफ टेरिटरी एंड हाई एग्रेशन, नहीं। सोशल कम्युनिकेशन थ्रू द ऑर्डर एंड इंक्रीज ग्रुप सर्वाइवल, यस। यहाँ पे प्रॉक्सिमेट कॉस्ट भी है एंड अल्टीमेट कॉस्ट भी है, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। हाईर मैटरनल फिटनेस एंड इंक्रीज सर्वाइवल। अगला है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉय सिग्नल टू द टू अट्रैक्ट मेट्स, इफ सच सिग्नल ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल्स क्वालिटी इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड। क्या बोला गया है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और उस सिग्नल को जो है रिलेट किया जा रहा है इंडिविजुअल की क्वालिटी से, यानी कि जितना अच्छा सिग्नल उतना ही अच्छी उनकी क्वालिटी। आपको बता दूं कौन सा वहां पे स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है। बोला है ऑर्गेनिज्म विद पुअर मेटाबॉलिक कंडीशन सिग्नल मोर, नहीं। अच्छे मेटाबॉलिक कंडीशन वाले जो है सिग्नल अच्छा देंगे, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म इन पुअर मेटाबॉलिक कंडीशन सिग्नल लेस, यस। ये चांसेस हो सकते हैं कि भाई जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छी नहीं है वो साउंड भी सिग्नल भी कम देते हैं और जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे है वो सिग्नल अच्छे देते हैं, तो ये केस सही है भैया। अगला, ऑर्गेनिज्म विल नॉट मॉड्यूलेट सिग्नलिंग बिहेवियर विद द मेटाबॉलिक कंडीशन, गलत। ऑर्गेनिज्म इन गुड मेटाबॉलिक कंडीशन विल सिग्नल लेस, नो, दे विल सिग्नल मोर नॉट लेस। वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला है,
द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेरियस इवोल्यूशनरी आउटकम, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रेडपिन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। पहला है विद लीनिएज ऑर्गेनिज्म शो अ कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यस कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो विद लीनिएज लगा रहता है, ट्रू। नेक्स्ट है इवन इन द एब्सेंस ऑफ चेंजिंग इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म आर कांस्टेंटली इवॉल्विंग, नहीं बट कुछ ना कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट रहना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली रेडपिन हाइपोथेसिस को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना, सिंपल भाषा में कहा जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विद द नोवल जीनोटाइप आर एट अ सेलेक्टिव डिसएडवांटेज, ये हम कैसे कह सकते हैं रेडपिन हाइपोथेसिस के तो सपोर्ट में नहीं है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट कोइवोल्यूशन बिटवीन द टू इंटरैक्टिंग स्पीशीज एंड टू मेंटेन द जेनेटिक वेरिएशन थ्रू द टाइम, यस ये जो है रेडपिन हाइपोथेसिस को बता रहे हैं कि कोइवोल्यूशन में जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज होती है वो एक तरीके से अपने जेनेटिक वेरिएशन को थ्रू आउट द टाइम मेंटेन करते रहती है, क्योंकि तुम बदलो मैं भी बदलूंगा फिर तुम मेरे नहीं, तो ये वेरिएशन एकदम से चलता रहता है। तो हम देखें तो ए और डी सही हो जाता है, दैट इज फर्स्ट सही हो जाता है। ओके सो विद दिस वी आर डन विद एनिमल बिहेवियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बीच में आपने देखा हमने कुछ अलग अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन लिए थे जो कि हमसे बाय चांस मिस हो गए थे, और साथ ही साथ एनिमल बिहेवियर का जो पोर्शन बाकी रह गया था उसे भी हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन है ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। बाय मिस्टेक ये जो क्वेश्चंस थे वो हमसे स्किप हो गए थे, तो इस सेशन में हम इसी को डील करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017 दिसंबर का है। क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं मेंशन है अ जीन एक्स इन अ ड्रोसोफिला कंट्रीब्यूट टू द इनवायबिलिटी ऑफ हाइब्रिड्स, द फाइलोजेनी बिलो शोज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ जीन एक्स एंड ऑन ईच ब्रांचेस द नंबर इंडिकेट द नॉन साइनोनिमस टू साइनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री बना रखा है और यहाँ पे जीन एक्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में आपको नॉन साइनोनिमस सब्स्टिट्यूशन दिखा के रखा है और डिनोमिनेटर में साइनोनिमस सब्स्टिट्यूशन दिखा के रखा है। तो अगर ए की बात करते हैं तो ए पे आपको नॉन साइनोनिमस सब्स्टिट्यूशन 16 है जबकि साइनोनिमस 21 है, बी पे दोनों ही वैल्यू 0 है, सी पे इट्स 3 और इसके अलावा डिनोमिनेटर में इट्स 10। अब आपसे बोला गया है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द चॉइस बिलो। तो बोला है हाई प्रपोर्शन ऑफ नॉन साइनोनिमस चेंजेस एट ए इंडिकेट द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि ए पॉइंट पे ये जो नॉन साइनोनिमस चेंज है जो कि 16 जिसकी वैल्यू है इसका हाई प्रपोर्शन में रहना इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इवोल्यूशन जो है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है हाई प्रपोर्शन ऑफ साइनोनिमस चेंजेस एट ए इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सिंपल सी बात कहें तो ए पे नॉन साइनोनिमस का जो मतलब कि नंबर है हाई प्रपोर्शन में दिखा रहा है जो कि बता रहा है एक तरीके से एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड में देखिए क्या बोला है इक्वल प्रपोर्शन ऑफ नॉन साइनोनिमस टू साइनोनिमस चेंजेस एट बी इंडिकेट द डिलीटेरियस सिलेक्शन, एंड फोर्थ में है लो प्रपोर्शन ऑफ नॉन साइनोनिमस चेंजेस एट सी इंडिकेट द पॉजिटिव सिलेक्शन। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ऑब्वियसली आपको तीन कंडीशन याद रखने होंगे जो कि आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, इसको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि देखने को यहाँ पे के ए बाई के एस का रेशियो एक्चुअल में आपको उस फाइलोजेनेटिक ट्री में मेंशन है जिसमें कि के ए हमको पता है कि नॉन साइनोनिमस साइट पे नॉन साइनोनिमस सब्स्टिट्यूशन एंड के एस वॉज साइनोनिमस साइट पे साइनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। तो हमको पता है कि अगर ये रेशियो ठीक है अगर ये रेशियो ग्रेटर देन वन आता है तो ये हमको पॉजिटिव या डार्विनियन सिलेक्शन की बात करता है। ठीक है तो अगर ग्रेटर देन वन की बात करें तो उस केस में हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर के केसेस में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। फोर्थ में बोला है कि सी पे जो है एक तरीके से पॉजिटिव सिलेक्शन होगा तो सी पे पॉजिटिव सिलेक्शन नहीं होगा राइट, तो ये हमने ओमिट कर दिया। फिर देखिए लेस देन वन इंप्लाइज द प्यूरिफाइंग और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन दैट इज एक्टिंग अगेंस्ट द चेंजेस एंड अ रेशियो ऑफ एक्जैक्टली वन इंडिकेट द न्यूट्रल ऑब्लिक नो सिलेक्शन। तो यहाँ पे न्यूट्रल तो हमको कोई वैल्यू मिला नहीं है ठीक है जीरो मिला है, तो बी वाला जो केस है बी वाला केस हम यू ही एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यू जीरो मिल रही है। ठीक है अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है वन एंड टू। फर्स्ट में अगर देखते हैं तो बोला जा रहा है कि जो हाई प्रपोर्शन है नॉन साइनोनिमस चेंज का एट अ साइट ए, क्योंकि ए बी एंड सी तीनों को कंसिडर किया जाए तो सबसे ज्यादा हाई चेंजेस जो है हमको ए पॉइंट पे ही मिल रहे हैं, तो इस टाइप के नॉन साइनोनिमस चेंजेस जो होते हैं वो हमको ये बताते हैं कि इवोल्यूशन एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हो रहा है। ठीक है जबकि हाई प्रपोर्शन ऑफ साइनोनिमस चेंजेस का काम एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बताना नहीं होता। इसी बेसिस पे चलते हैं तो वी कैन से कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा। ओके अगला क्वेश्चन है द रेडपिन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू रेडपिन हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है। पहला है द मेटिंग ऑर्डर इन द हरम ऑफ पॉलीगैमस मेल, नहीं। द एलिमिनेशन बाय डिलीटेरियस म्यूटेशन बाय सेक्सुअल सिलेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। मेल सिलेक्शन प्रोसेस बाय फीमेल इन द लीक, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अगर देखा जाए तो रेडपिन हाइपोथेसिस मेटिंग से बिलोंग ही नहीं करता है। लास्ट है द इवोल्यूशनरी आर्म रेस बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट, एक्जैक्टली होस्ट और पैरासाइट के बीच में जो इवोल्यूशनरी आर्म रेस है ये उसे बताता है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से समथिंग सिमिलर ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व इनटू डिस्टिंक्ट लीनिएज इंडिपेंडेंटली सच एज विनोम इन स्कॉर्पियंस एंड स्लीक, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर टाइप के ट्रेट जो है हमको दो डिस्टिंक्ट लीनिएज में देखने को मिलते हैं, वो भी उनका इवोल्यूशन इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ रहता है। जैसे कि स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू में जो जहर होता है और स्नेक में जो जहर यानी विनोम होता है उसकी बात की जा रही है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट लीनिएज की बात की गई है
और इसमें ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंट इवॉल्व हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ केस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जहां पे कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, सिमिलर टाइप के सिलेक्शन प्रेशर के कारण सिमिलर टाइप के ट्रेट एग्जिस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अ हाईली डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ लीजर्स व्हिच हैज इवॉल्व्ड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट ऑक्यूपाइज डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश इन द पेनिनसुलर इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ स्पीसिएशन प्रोसेस कैन एक्सप्लेन द अबव पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर लीजर की एक कम्युनिटी है जो कि बहुत ही डाइवर्स बेसिस पे प्रेजेंट है और डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश को उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है। किस टाइप का स्पीसिएशन प्रोसेस को दिखा रहे हैं, नॉन इकोलॉजिकल स्पीसिएशन तो नहीं लग रहा है, एडेप्टिव रेडिएशन इसका एक केस हो सकता है, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन नहीं होगा, पैरापैट्रिक स्पीसिएशन नहीं होगा। तो एक्चुअली दिस इज अ केस स्टडी जिसमें कि ये जो यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड जो लीजर स्पीसीज हैं, ये एक्चुअल में इनका जो रेडिएशन हुआ वो एडेप्टिव रेडिएशन के कारण होता है। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, कॉलम एक्स लिस्ट इवोल्यूशनरी आइडियाज एंड साइंटिस्ट हु प्रपोज देम एंड कॉलम वाई लिस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीस आइडियाज। आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो पहला अगर देखा जाए कि मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी बाय जूलियन हक्सली, यानी मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी जिस थ्योरी को हम आज के टाइम पे एक्सेप्ट करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी की तरह, तो देखा जाए तो इट इज अ सिंथेसिस बिटवीन द मेंडेलियन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड सिलेक्शन थ्योरी, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थ्योरीज, राइट। तो उस केस में अगर देखा जाए तो ए का हमको 3 लग रहा है। नेक्स्ट फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म बाय चार्ल्स डार्विन, तो देखिए इसका कहना था न्यू स्पीसीज अराइज ग्रेजुअल, ग्रेजुअलिज्म जो है ग्रेजुअल चेंजेस के साथ लिंक था, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीसीज, तो ये हम बी का 4 ले सकते हैं। अगला है पंचुएटेड इक्विलिब्रियम बाय स्टीफन जे गॉल्ड एंड दी नीलेश एल्ड्रिज, तो पंचुएटेड इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो ये है इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट अपीयर इंस्टेंटेनियस बिटवीन द ज्योग्राफिकल सेडिमेंटरी लेयर्स, तो वी कैन गो विद दी सी का 2। अब बच गया एक ही डी, जो कि था कॉलसेंट मॉडल, जो कि इंस्पायर्ड था राइट फिशर मॉडल के द्वारा, जो बोलता है तो ये हो गया हमारा डी का 1। तो एक ही ऑप्शन बचा था, ऑल इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो जेनियोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में बताता है, अगर हम ट्रैक बैक करते हैं टाइम को इस बेसिस पे चले तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 का, द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द वेरियस इवोल्यूशनरी आउटकम, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रेडपिन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। पहला है विद इन अ लीनेज ऑर्गेनिज्म शो अ कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जी हाँ, इवन इन द एब्सेंस ऑफ चेंजिंग इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म आर कांस्टेंटली इवॉल्विंग, नो, ऑर्गेनिज्म विद नोवेल जीनोटाइप आर अ सेलेक्टिव डिसएडवांटेज, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि हमेशा सेलेक्टिव डिसएडवांटेज ही होगा, को इवोल्यूशन बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग स्पीशीज एक्ट टू मेंटेन जेनेटिक वेरिएशन थ्रू आउट द टाइम, यस, सो वी कैन गो विद ए एंड डी, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्रिएट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या क्रिएट करता है, ऑप्शंस आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, स्किन एपोमॉर्फीज एंड प्लियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हमको एनालॉगस स्ट्रक्चर मिलते हैं, राइट, एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको देख सकते हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर हमने जब हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात की थी तो उस टाइम पे हमको होमोलॉगस स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात होती है तो वो हमको एक तरीके से एनालॉगस स्ट्रक्चर मिलता है जिनका फंक्शन सेम होता है, लेकिन यस उनकी जो लीनेज होती है, जो उनके एंसेस्टर होते हैं उनमें डिफरेंसेस होता है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग ट्री रिप्रेजेंट डिफरेंट इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, सेलेक्ट द ट्री बेस्ट रिप्रेजेंट्स पंचुएटेड इक्विलिब्रियम, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम को बताने वाली ट्री को आपको सेलेक्ट करना है। अरे आपने पंचुएटेड इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आप इसमें से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ है या कौन सी ट्री होने वाली है। जो पहला ट्री है ऑब्वियसली दिस इज द पंचुएटेड इक्विलिब्रियम, इन केस अगर आपने नहीं देखा हो तो मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये एक ऑर्गेनिज्म निकला, फिर ये निकला, ये कुछ दूर नॉर्मली बिना चेंज हुए चला, ठीक है, फिर इस तरीके से जो है आगे की तरफ बढ़ा जाता है, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम का ये वाला केस है। इन दिस वे वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 का, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर मेड अबाउट द एडेप्टिव रेडिएशन, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है एडेप्टिव रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ड्राइवन बाय द इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही है, ट्रू। एडेप्टिव रेडिएशन इज अ डाइवर्जेंस ऑफ अनरिलेटेड टैक्सा इन द डिफरेंट नीश, नो, रिलेटेड टैक्सा होता है। एडेप्टिव रेडिएशन इज रेयर इन आर्कियोपेलागस रिमूव फ्रॉम द मेनलैंड, गलत। प्रोसेस अनरिलेटेड टू द नीश एक्सप्लॉयटेशन कैन बी द मेजर ड्राइवर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही। तो वी कैन गो विद ए एंड डी, राइट, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द होमोलॉगस कैरेक्टर, कौन सा ट्रू नहीं है होमोलॉगस कैरेक्टर के लिए। पहला है सिमिलर ट्रेट में नॉट बी होमोलॉगस, यस, बिकॉज दे कैन बी दैट इज एनालॉगस, राइट, सिमिलर ट्रेट जो है बिल्कुल एनालॉगस हो सकते हैं। सिमिलर ट्रेट में बी द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सिमिलर ट्रेट जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक रिजल्ट हो सकते हैं। होमोलॉगस स्टेट दैट इज डिराइव एंड शेयर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड ऑट एपोमॉर्फी, नहीं, ऑट एपोमॉर्फी में जो इंडिविजुअल होते हैं, जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके पास अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, उनकी शेयरिंग नहीं हो रही होती है, तो ये गलत हो गया। होमोलॉगस कैरेक्टर में शो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बट फंक्शनल डाइवर्सिटी, बिल्कुल। इस बेसिस पे चलते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है थर्ड। If the ratio of number of non-synonymous to synonymous substitution per site in the protein coding gene is greater than B, it is an evidence of selection, that is, किस तरीके का evidence है? It is evidence of positive selection, जो अभी just हमने देखा। Character similarity that can be misinterpreted as a common descendant is called, कौन से ऐसे character similarity है जिसको कि आप गलत फहमी में common ancestor से link कर सकते हैं। तो सिंप रेशियोमॉर्फी में तो कॉमन एंसेस्टर खुद ही होता है, तो इसमें गलत फहमी का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। स्किन एपोमॉर्फी में भी होता है, होमोलॉजी में भी कॉमन एंसेस्टर है। होमोप्लासी में क्या होता है कि जो दो डिफरेंट टैक्सा का जो कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उसमें लिंकिंग जो है कॉमन एंसेस्टर का नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट तरीके से इवॉल्व हो जाती है। तो क्योंकि इसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो इसको
Which of the following evolutionary process played an important role in evolution of our immune system? कौन सा यहाँ पे immune system में role play करता है? Immune system का मतलब जो evolution हुआ है उसके basis पे. तो हमको पता है कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस तरीके से इवॉल्व होता है जिस तरीके से हमारी बॉडी पैथोजन से अटैक में आती है, राइट? यानी पैथोजन और हमारे इम्यून सिस्टम के बीच में एक तरीके से को इवॉल्यूशन चल रहा है. तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो होगा नहीं, एडाप्टिव रेडिएशन भी नहीं होगा, न्यूट्रल इवॉल्यूशन भी नहीं होगा, इट विल बी को इवॉल्यूशन. अगला क्वेश्चन है, फोर लिंब ऑफ ह्यूमन, फ्लिपर ऑफ व्हेल आर एम्ब्रियोलॉजिकली होमोलॉगस स्ट्रक्चर. व्हाट डज द स्टडी ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट द इवॉल्यूशन? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन है कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर की स्टडी हमें इवॉल्यूशन के बारे में क्या बताती है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है. पहला है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर एडेप्टिव रेडिएशन के द्वारा बन सकते हैं, विच अकर ड्यू टू द सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग द डिफरेंट एनवायरनमेंट. यस, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ये सब जो है कहीं ना कहीं आपस में लिंक है, राइट? तो ये सही है, ट्रू बोला गया है. बोला दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल अभी जस्ट मैंने कहा कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर में हम एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ले लेते हैं, विच अकर ड्यू टू द सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग द डिफरेंट एनवायरनमेंट, ट्रू. अगला है, सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद म्यूटेशन एंड वेरिएशन गेटिंग नेचुरली सेलेक्टेड इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट. ये भी एक रीजन हो सकता है अगर देखा जाए तो, कि सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनमें म्यूटेशन या वेरिएशन चले हैं जिसकी वजह से नेचर ने उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में सेलेक्ट कर लिया. इसकी वजह से भी चीजें डाइवर्ज हो सकती है, डाइवर्जेंस होगा तो फिर होमोलॉगस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. बोला दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो किसी हाल में नहीं, एनालॉगस स्ट्रक्चर के केस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, तो ये हो गया गलत. यहाँ पे एबीसी तीनों ही सेलेक्ट हो जाते हैं तो वी कैन गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ इंसेक्ट तो विंग्स इंसेक्ट के विंग्स एंड बैट के विंग्स जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं. अगेन अगला है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच द फॉलोइंग करना है. जैसे कि लेम्मा की बात की जाए तो लेम्मा का कहना था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये का हो गया टू. चार्ल्स डार्विन जो है उनका डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल के बारे में बोलना था, यानी कि ये हो जाएगा थ्री. जो है एक तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे इवोल्यूशन को समझाने में लगे थे. सो द वेरिएशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज सेलेक्टिवली न्यूट्रल, ये हो गया फर्स्ट. और सी और राइट जो है ये मेनली जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड थे, जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिफाइन किया था, इट इज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी टू द रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो ये हो जाएगा 2314, दैट इज सेकंड ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर प्रपोज एनालॉगस स्ट्रक्चर अमंग द ऑर्गेनिज्म. आपको बताना है करेक्टली स्टेट दैट एनालॉगस स्ट्रक्चर, यानी एनालॉगस स्ट्रक्चर की एग्जांपल आपको यहां से पिक करना है. पहला है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, यस इट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर. विंग्स ऑफ बैट्स एंड टेट्रापॉड डिजिट, नो ये होमोलॉगस में हो जाएंगे. टेंड्रिल्स ऑफ व्हाइटिस एंड टेंड्रिल्स ऑफ पंपकिन, नो इट इज अगेन नॉट एनालॉगस स्ट्रक्चर. ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, यस दे आर एनालॉगस. फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, अगेन एनालॉगस है, यानी कि वी कैन गो विथ ए डी ई, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है. ये जो तीनों एग्जांपल है एनालॉगस स्ट्रक्चर के एग्जांपल, ये भी आपको क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं. अगला क्वेश्चन है सिमिलर, ओके फाइन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. माइक्रो इवोल्यूशन इज द टर्म यूज फॉर चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसीज दैट अकर ओवर द टाइम. आपको बताना है नॉट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो माइक्रो इवोल्यूशन इज विदिन अ पॉपुलेशन एट अ स्पीसीज लेवल, बिल्कुल सही. विदिन अ कम्युनिटी एट जीनस लेवल, नहीं. ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ न्यू जीन्स इन्फेक्शन, नो. ड्यू टू द म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, बिल्कुल सही. तो हमसे नॉट एप्रोप्रिएट पूछा था, तो बी और सी नॉट एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट ए और डी है, तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन. अगला, अकॉर्डिंग टू विच इवोल्यूशनरी थ्योरी देयर आर लॉन्ग पीरियड विदाउट सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी चेंजेस इंटरप्टेड बाय द शॉर्ट एपिसोड ऑफ रैपिड इवोल्यूशन. यानी कि यहाँ पे एक तरीके से पंचुएटेड इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, जिसमें कि काफी लंबे टाइम तक कोई चेंजेस नहीं होता, फिर अचानक से चेंजेस होता है, राइट? तो ये किसके बारे में बोला है, दिस इज अ पंचुएटेड इक्विलिब्रियम. अगला है, रूल्स पे क्वेश्चन बोले गए हैं, आपको मैथ ऑफ फॉलोइंग करना है. जैसे कि अगर देखा जाए कॉप्स रूल, ठीक है, तो कॉप्स रूल बताता है कि पॉपुलेशन लीनियस टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर द इवोल्यूशनरी टाइम. तो ये हो जाएगा हमारा कॉप्स रूल का पहला ऑप्शन सही. डोनर्स रूल की बात करें तो ये बताता है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वंस लॉस्ट आर नॉट रीगेन्ड. ओकम्स प्रिंसिपल की बात करें तो ये हमें बताता है इट एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट थ्योरी दैट वर्क्स, यानी फोर्थ. एंड वैन वैरन लॉ की बात करते हैं तो ये हमें बताता है देयर इज अ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन द फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, दैट इज सेकंड, राइट? इस बेसिस पे चला जाए तो 1342, यानी सेकंड ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस. कौन सा माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं कराता है? म्यूटेशन करवाता है, रैंडम मेटिंग नहीं करवाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट करवाता है, नेचुरल सिलेक्शन भी करवाता है. तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे आपको एबीसी मेंशन है, आपको बताना है कि ये कौन से इवोल्यूशनरी पैटर्न को शो कर रहा है. इसमें से सबसे आसान पता है क्या? इसमें सबसे आसान है पहचानना इसको, दैट इज ये है होमो, एक तरीके से होमोप्लासी का केस, जिसको कि अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में भी डील किया था कि जिसको मिस इंटरप्ट कर लिया जाता है कि मे बी वो जो पाइपर सम्राटी है वो है ड्यू टू द कॉमन एंसेस्टर. तो ये बी वाला जो है दिस इज अ होमोप्लासी. और देखिए कि जो अकेला अपने आप में ही एक नया कैरेक्टर लेके बैठा है यही था ऑड एबल मॉडल, राइट? और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से डिराइव कैरेक्टर को शेयर किया जा रहा है, तो सिन तो होगा ही, और क्योंकि डिराइव कैरेक्टर है तो ये एपोमॉर्फी होगा, यानी ये केस क्या है, दैट इज सिन एपोमॉर्फी. अब मैच कर लीजिए यहाँ पे सिन एपोमॉर्फी का, ये दो है, ठीक है, बी में होमोप्लासी, हमारा होमोप्लासी आया, एंड सी में हमें ऑड एपोमॉर्फी आया, तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम टाइप ऑफ इवोल्यूशन. उम्मीद करती हूं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. ऑल्दो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी कांसेप्ट है हमने क्लास में डील किया, राइट? इसलिए हमको टाइम नहीं लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में. एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगा, तो मैं उम्मीद करती हूं सबको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन.